हेलो एवरीवन। सो डू यू नो कि इस बार जो कैट 23 का एग्जाम था और कैट 2022। गुड इवनिंग रोहन। इस बार के पेपर में जो भी सेट आए थे 20 क्वेश्चंस थे, उसमें एलआर के 3 सेट थे और एक जो सेट आया था वो एलआर प्लस डीआई था। इसका मतलब राइट नाउ एलआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो अनुराग। एलआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे हम लॉजिकल रीजनिंग की थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं, दैट विल डिस्कस। ये मैं 3 क्लास सीरीज ले रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 PM पर। ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कैसे हम क्वेश्चंस में सोचते हैं। ठीक है, वी विल लर्न हाउ टू थिंक इन अ एलआर क्वेश्चन। कैसे उसमें टेबल बनती है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, बेसिक। पहले तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा, राइट, हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग। और धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ा के मॉडरेट लेवल करेंगे। अभी तो हम बिगनर लेवल पढ़ाएंगे, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी 6 PM। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोस गिविंग कैट 2024। क्योंकि ये मान के चलो कि आप अब डीआई कम आता है, एलआर ज्यादा आती है। ठीक है, तो एलआर पे आपको फोकस करना है। इसमें अगर आप 2 सेट भी क्रैक कर लोगे, इट इज 99.99% इन एलआरडीआई सेक्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई देखो, आपको 40 मिनट में 10 क्वेश्चन करना है, और उन 10 क्वेश्चन में भी आपको पता है एलआर में जो मेन गोल होता है, मेन एम होता है, 19 मिनट में आपको सेट क्रैक करना होता है और 1 मिनट में आंसर लिखना होता है। क्योंकि आंसर बहुत, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी हो जाते हैं अगर आपने सेट को ढंग से क्रैक कर लिया। इफ यू आर एबल टू मेक मेक दिस सेट, देन 1 मिनट लगता है बाकी 5 क्वेश्चन को आंसर करने में। तो आज हम ये सब कुछ सीखेंगे। हाँ, करो करो रोहन, वो भी करो, ये भी कर सकते हो। ये तो फ्री क्लासेस है, इसमें मैं बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक लेके जाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग। एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल। और ओके अनुराग एंड बाकी लोग, ज्वाइन माई कम्युनिटी। कम्युनिटी इज द इजिएस्ट वे। कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको बहुत इजी वे में यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करो। मैं आपको कम्युनिटी पे सारी लिंक देता रहता हूँ। सबसे बड़ा फायदा है कि कम्युनिटी पे मैं आपको न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करता हूँ डेली। तो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक कैट, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका वर्बल इंप्रूव होगा, आपका कंप्रिहेंशन इंप्रूव होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जरूर देखना है आप लोगों को। मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लेना। एंड दिस ईयर वी गॉट मोर देन 85 लर्नर्स हु गॉट 99+ परसेंटाइल, मोर देन 85 लर्नर हु गॉट 98। तो ऑलमोस्ट 170 स्टूडेंट का 98+ परसेंटाइल आया, और 95 to 98 वी हैव 160+ लर्नर। तो दिस स्कोर इज इंक्रीजिंग धीरे धीरे बच्चों। तो देखो, जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई हैव मोर देन 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मोर देन 25,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं। उसके अलावा उसमें से 2,000 स्टूडेंट जो आईआईएम्स में हैं या पास कर चुके हैं। एंड मेरी एक बुक है मैथमेटिका, जो कि अमेजन पे अवेलेबल है। यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री। ये आप बुक को किंडल एडिशन अमेजन पे फ्री में पढ़ सकते हो। चलो भाई, अब हम सीखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली बेसिकली। गुड इवनिंग स्टीफन। बेसिकली होता क्या क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उसमें क्या होता है। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग को वी कैन डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट। मेजर पार्ट में क्या क्या होगा, एक सीन होगा आपके पास, कोई कंडीशन होगी, सिनारियो होगा। ठीक है, कि भाई ये है आपके पास, इस ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, उसको आपको पहले समझना होगा कि क्या कंडीशन है, क्या सीन है, क्या सिनारियो हो रहा है। कि बहुत तरह के लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत सारे, मैं भी सबको सब बताऊंगा आपको। फिर जब आपके पास सीन समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 10 लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, ABCDEFGHIJ, और उसमें से अब ये तो हो गया सिनारियो की कंडीशन, ये है कि हमें 10 लोगों को पिकनिक में लेकर जाना है,
हर बंदे के पास कुछ ना कुछ टिफिन लेके जा रहा है, राइट। उनके टिफिन में किसी ने फ्रूट्स लिया है, किसी ने वेजिटेबल्स लिए, किसी ने रोटी ली है, इस तरह के आपको दे रखा है। ये होगी कंडीशन, क्या सिनारियो है, क्या सीन है जिस पर हमें वर्क करना है। उसके बाद रूल्स या कंडीशन कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि जिस, अब जैसे अगर मैं उसी आपको पिकनिक वाले की एग्जाम्पल लेता हूं कि 10 लोग पिकनिक में जा रहे हैं, वहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, ये तो हमारे पास रूल हो गया, कंडीशन हो गई कि भाई 10 लोग पिकनिक में जा रहे हैं, हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ टिफिन है, कुछ ना कुछ वो खाने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल कुछ भी हो सकता है। अब रूल्स आता है, अब रूल से होता है कि ये लोग जिस बस में बैठे हैं वो 10 सीटर बस है, जिसमें दो दो करके सीट ऐसे हैं, ठीक है, दो सीट ऐसे लगी हुई है और दो सीट ऐसे, ठीक है, और पीछे आगे दो सीट, इधर एक सीट ड्राइवर की है, ठीक है। तो यहां पर ड्राइवर की सीट हो गई, इधर आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये आपके पास 10 सीट्स है, यहां पर आप लोग बैठोगे। अब कुछ कंडीशंस दे देगा कि यार ए कभी भी बी के साथ नहीं बैठेगा, डी ई को हमेशा खिड़की की तरफ बैठना है, एच और जे साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस होंगे, रूल्स आपको दिए होंगे। तो पहले तो सिनारियो समझना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आपके पास कंडीशन आ जाती है, रूल्स आ जाते हैं, उसके बाद आपको यहां पर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फ्रेम करनी होती है, मैट्रिक्स को हम टेबल भी बोलते हैं। तो जो आपको कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको टेबल या मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है। टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं कि आपको टेबल बनानी होती है कि क्या क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को फिर फ्रेम करना पड़ता है, क्वेश्चन की कंडीशंस को रखना पड़ता है, राइट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रूल्स एंड कंडीशन को फॉलो करना। अगर आप ये ढंग से फॉलो कर लेगा तो आपके लिए आसान हो जाता है कोई भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब उसके बाद आपके मेन आते हैं क्वेश्चंस। एक बार आपने सेट पूरा कर लिया, देन यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक बार आपका टेबल ढंग से बन गई ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल ढंग से बन गई, फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। यहां पे ध्यान रखना, जब आप लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ते हो तो अभी जब आप स्टार्ट करोगे, बेसिक लेवल करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, रीड ईच वर्ड केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है जिसका यूज बहुत होता है। बार बार जब आप टेबल बनाओगे, जब आप मैट्रिक्स फ्रेम कर रहे होगे, रो और कॉलम में वैल्यू फिल कर रहे होगे, तो आपने अगर कोई भी एक बात मिस कर दी तो उससे पूरा टेबल गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी पर बेस सब कुछ होता है। अच्छा, अब ये लॉजिकल रीजनिंग की थिंकिंग कैसे डेवलप करोगे, तो आपको याद रखना है, अभी आप अगले 1 मंथ तक सुडोकू सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप लोग करते हो, कितने लोग सुडोकू खेलना जानते हैं, टेल मी, आप में से कितने लोग सुडोकू खेलना जानते हैं। न्यूज़पेपर, आप में से कितने लोग सुडोकू जानते हैं, लिखो कमेंट सेक्शन में। हेलो अर्पिता, आई टीच फॉर एवरीथिंग, वंशिका, आई टीच फॉर एवरीथिंग, ओके। तो सुडोकू से क्या होता है, आपकी रीजनिंग पावर इंप्रूव होती है। तो आपको अभी नेक्स्ट 1 मंथ तक डेली एक सुडोकू सॉल्व करना है 20 मिनट के लेकर, ठीक है, 20 मिनट, 10 से 20 मिनट के बीच में। अभी आप इजी से स्टार्ट करो, अब तुम सीख गए ना रोहन, अभी आप इजी से स्टार्ट करो, फिर मॉडरेट होते हैं, फिर डिफिकल्ट होते हैं, फिर चैलेंजर्स होते हैं। जितना इजी सेट होगा उसमें उतनी डेटा ज्यादा होंगे। तो मैं आज आपको क्या करूंगा, मैं आपको आज 4 तरह क्वेश्चन कराऊंगा। एक सुडोकू को सॉल्व करना सिखाऊंगा, सेकंड मैं आपको एक बहुत सिंपल रूल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है आज करने का, बहुत बेसिक लेवल से थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे हम चीजों को सोचना स्टार्ट करते हैं, राइट। हमेशा आप लोग ना, अगर कैट 24 आपका कब है मालूम है, नवंबर एंड में है, नवंबर एंड, आपके पास ऑलमोस्ट 11 और ये 10.5 मंथ मान सकते हो, लंबी जर्नी है हमारी। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एक दिन में सीख लोगे, तो मेक अ शॉर्ट गोल्स, ठीक है, एक छोटा छोटा गोल लेके चलो। मैं आपको एक एक
आइडिया देता हूं कि किससे से आप स्टार्ट करो। नंबर वन, एक तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी है आपको, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली डेली करनी है आपको। सेकंड, एक सुडू को डेली अभी सॉल्व करना है अगले 30 दिन तक। हमारा अभी कुछ टारगेट सेट कर लो कि मुझे 30 दिन तक सुडू को सॉल्व करना है। उसके बाद क्वांट में, मैं खैर करा ही रहा हूं आप लोगों, क्वांट में भी आपको 30-40 क्वेश्चन पर डे करना है। अभी एक महीने का टारगेट ये रखो। धीरे धीरे आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग को करना स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं यूज उसका हेल्प होगी आपको आगे वीएआरसी में, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या करना है, एक कॉपी बना लेना। अगर आपकी वीए बहुत वीक है, आरसी बहुत वीक है, तो कॉपी बना लेना। उस कॉपी में जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, उस न्यूज़पेपर रीडिंग में, मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूं, आप लोग चेक कर लो मेरी कम्युनिटी। स्टीफन, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं डेली न्यूज़पेपर अपलोड करता हूँ, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दो न्यूज़पेपर में डेली अपलोड करता हूं। ये आप ज्वाइन कर लो मेरी कम्युनिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लेके चलो डेली। सुबह मैक्स टू मैक्स 10 AM तक मैं न्यूज़पेपर डाल देता हूं, कभी कभी लेट लेते, हाँ 10 से लेट नहीं होता है, मैं डेली सुबह न्यूज़पेपर डाल देता हूं। आप लोग वहां से न्यूज़पेपर डाउनलोड करो। क्या क्या पढ़ना है, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पढ़ो। सेकेंड, जब आप एडिटोरियल पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है, एक शुरू के 15-20 दिन लगेंगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो शुरू में डर लगता है, इसलिए अभी एडिटोरियल से स्टार्ट करो। वंस यू कंफर्टेबल विद एडिटोरियल, स्टार्ट विद बिजनेस न्यूज। अब आपको बिजनेस न्यूज भी पढ़नी, क्योंकि आपको जो आगे करना है सब बिजनेस से रिलेटेड काम करना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, तो एडिटोरियल एंड बिजनेस न्यूज थर्ड आपको करना है, थर्ड आपको करना है। उसके बाद जब आप बिजनेस न्यूज कंफर्टेबल, फ्रंट पेज पढ़ना है। आप देखा करो कि कुछ पॉडकास्ट देखो, इंग्लिश पॉडकास्ट देखा करो, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, अगर आपकी इंग्लिश वीक है। और एलआर का इंप्रूव करने का तरीका एक है कि सुडोको करना अगले 30 दिन तक, एक सुडोको पर डे और एक सेट, वन सेट डेली, डेली एक सेट करना है आप लोगों को। ये कहां से मिलेगा, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर स्टूडेंट हो तो हमारे पास सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में ऐप पर ही आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। आप कोई भी इजी सेट से स्टार्ट करो, स्टार्ट सॉल्विंग, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द प्लस क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, सुडोको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो सुडोको सॉल्व करने का रूल बताया था मैं आप लोगों को, सॉल्विंग अ सुडोको। आप में से कितने लोग हैं जिनको सुडोको सॉल्व करना नहीं आता है, आप में से कितने लोग हैं जिनको सुडोको सॉल्व करना नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में लिखो मी। आप में से कितने लोग हैं जिनको सुडोको सॉल्व करना नहीं आता है, हाँ, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। सुडोको का जो मेन पर्पज होता है, इसमें 9x9 के 9 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, 9x9 के 9 ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको मजा आने लगेगा, आपका दिन नहीं खत्म होगा जब तक आप इसको नहीं करोगे, आपको लगेगा यार सुडोको सॉल्व नहीं किया, मजा नहीं आ रहा कुछ, और इससे आपकी रीजनिंग पावर बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देखो ये आपके पास 9 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन 9 ब्लॉक्स के अंदर भी हमारे पास 9x9 के ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये ऐसे 9 ब्लॉक्स होते हैं, राइट, ऐसे कुछ ये दिख रहा है आपको, 9 ब्लॉक्स हो गए ऐसे, ये आपका सुडोको हो गया। बस 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा इस चीज में। सुनो, अब यहां पर होता क्या है, ये एक 9x9 का ब्लॉक है, एक ये 9x9 का ब्लॉक है, ये 9x9 का ब्लॉक है, एक 9x9 का ब्लॉक ये है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको फॉलो करते हैं। नंबर वन, इन एवरी 9x9 ब्लॉक डिजिट आर यूज्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ना, ये वाला ब्लॉक, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं, इसके अंदर 9 जो स्पेस है उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर आएंगे, राइट। और सेकंड रूल, एवरी रो और कॉलम कंटेन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, मतलब क्या है इस बात का कि ये जो रो दिख रही है आपको, या ये रो दिख रही है, या ये रो, इन सब में 1 to 9 आएगा, कोई टर्म रिपीट नहीं होगी, इधर भी 1 to 9 आएगा, तो ये है मेन रूल, ठीक है।
अच्छा, इस पर बेस में आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सभी लोगों को क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको आज क्या क्या कराने जा रहा हूँ। देखो जरा, एक तो ये सुडो, हम हाँ ये बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो, एक सुडो को सॉल्व करेंगे, फिर ये मैट्रिक्स बेस्ड पजल होगा, बहुत बेसिक पजल है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बीसीसीआई वाला, और एक वो हैट वाला क्वेश्चन, बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोग आज। तो इतना मेरा टारगेट है आज करने का। अच्छा, जो लॉजिकल रीजनिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, देखो डेटा अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटा अरेंजमेंट मैं आज आपको डेटा अरेंजमेंट सिखाऊंगा। रैंकिंग बेस्ड पजल ये आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वांट बेस्ड पजल ये भी आज नहीं होगा। गेम्स एंड टूर्नामेंट ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, सुडोको बेस्ड पजल जो मैं आज करा रहा हूँ आप लोगों को, ग्रुपिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नेटवर्क बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट, नेटवर्क बेस्ड पजल, कंडीशनल पजल एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैट्रिक्स बेस्ड पजल, वेन डायग्राम सेट्स, मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड सेट्स, टीम फॉर्मेशन मैचिंग पजल, डीआई बेस पजल, ब्लड रिलेशंस पजल एंड मिसलेनियस। तो ये 16 चैप्टर है जो आपको डीआई एलआर में आने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते जाएंगे इस पर और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मेरा जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो है, वो क्वेश्चन आपके सामने सुडोको का है। हाँ, जीआरई में थोड़ा सा, जीआरई में भी सेम रहता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट सेट जो आपको ट्राई करना है, और इसमें आपको आंसर क्या देना है मुझे बताओ। व्हाट वैल्यू विल कम एट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में क्या आएगा? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 8। चलो, सब लोगों को मैंने बताया, थोड़ा बहुत आइडिया लो, मैं आपको 3 मिनट दूंगा, आप इसको सोचो और करो। याद रखना, कोई भी सुडोकू को सॉल्व करने के लिए शुरुआत में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस सेट को। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा सुडोकू का, आपको एक आइडिया हो जाएगा, फिर अच्छे क्वेश्चंस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है कि ये कंडीशंस है, उस कंडीशन को कैसे हम फिल करना शुरू करते हैं वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, वंशिका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, गलत तो सही हो मुझे मतलब नहीं, आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, मेरी जो नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया, उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है 6 PM, मैंने लिंक ऊपर पिन कर दिया, उसको ज्वाइन कर लो। ओके, मधुर, रोहन एंड बिशप, बिशप मार्क द आंसर करेक्ट। अच्छा, इसमें एक ये भी तरीका होता है इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सुडोको में, कि आपको ना जो नंबर मैक्सिमम दिया होता है उससे स्टार्ट करते हैं, द नंबर विच इज मैक्सिमम टाइम गिवन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो 1 एक बार दिया है, इधर 1, इधर 1। तो या तो आप एक काम करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इससे स्टार्ट क्या करो इनको, आपने यहां पर नंबर लिख लो, आपके पास नंबर क्या क्या भरने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसान लगने लगेगा तुमको चीजें। ओके, अब हम देखते हैं 1 से, अगर यहां पर 1 है, इफ 1 इज देयर, तो 1 इस लाइन में नहीं आ सकता क्योंकि 1 यहां पर आ गया है, 1 इस लाइन में नहीं आ सकता क्योंकि 1 यहां पर आ चुका है। अच्छा, एक 1 यहां पे दिख रहा है, 1 यहां भी नहीं आएगा और 1 यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ मैनेज करना है कि हम 1 को कहां कहां ला सकते हैं। तो 1, अच्छा एक यहां भी दिख रहा है मुझे, है ना, तो अब मुझे बताओ 1 इस जगह नहीं आएगा। अब हम देखते हैं किस किस कॉलम में 1 आ सकता है, जरा देखो क्या, अगर देखो यहां पे 1 नहीं, यहां नहीं, इस वाले कॉलम में 1 यहां पर आ सकता है, यस आ सकता है, आ सकता है ना, क्योंकि देखो ये यहां 1 हो गया, इस रो में 1 है तो यहां 1 नहीं आ सकता, 1 यहां पर, यहां नहीं आ सकता, 1 यहां भी, तो ये पूरा रो कैंसिल हो गई, तो 1 कैन कम एट दिस प्लेस ओनली। अच्छा, मैं बाकी हिस्सा हटा दे रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आए कि मैंने 1 कैसे भरा, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, 1 इधर इस रो में पूरा 1 यूज हो गया, यहां पूरा हो गया, तो बचा 1 यहां पर आएगा, ये 1 यहां कंफर्म आएगा, राइट।
ये कंफर्म वन हो गया। मैं एक एक करके चीजों को लेकर चलेंगे। देखो यहां पर वन आ गया, अगर वन यहां पर आ गया है तो वन कैन कम एट दिस प्लेस ऑल्सो, और वन यहां भी नहीं आ सकता, वन बचेगा यहां के लिए खाली, इस प्लेस पे वन आएगा। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो मैं कैसे वन को फिल कर रहा हूं, कैसे मैं वन को फिल कर रहा हूं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखो इधर देखो, यहां पर वन ये आ गया तो वन इधर नहीं आएगा, और यहां वन नहीं आएगा तो इस वाले कॉलम में वन यहीं आ सकता है खाली। हो गया क्वेश्चन? अब अगर वन यहां नहीं आ सकता और इधर वन, अब यहां पे वन फंस रहा है इन तीन जगह पे कहीं, या तो वन यहां आएगा या वन यहां आएगा, यहां पर वन अभी फंस रहा है, अभी मुझे वन का कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है। आप लोग समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को? चलो भाई मैं अभी ये पूरी चीज हटा देता हूं, जो मैंने वैल्यू बनानी है वो लिख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। ठीक है, तो मैंने जो जो थोड़ा मुझे आइडिया मिला मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने वन थोड़े भर दिए, मैं थोड़े थोड़े वन भरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यस, तो अच्छे आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। हाँ भाई, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या इश्यू आ रहे हैं अभी भी? देखो ये वन हो गया यहां पर इस रो में और यहां पर, अब इन दो जगह पर वन हो सकता है कहीं भी, मुझे कोई आइडिया नहीं इन दोनों जगह पर वन कहां होगा। इस तरह से इसको फिल करता हूं मैं, तो वन यहां पर यहां पर, मतलब इन दोनों जगह पर वन का प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका मतलब वन की प्रॉब्लम है तो आंसर में वन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमने वन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वन के बाद कुछ कंडीशंस अब बच जा रही है। अब हम आते हैं टू पर, ऐसे करना होता है, एक एक करके नंबर बढ़ाना पड़ता है। अब हम टू पर आते हैं, तो देखो इधर टू दिख रहा है आपको, अगर इधर टू दिख रहा है तो ये रो में तो टू नहीं आ सकता। अच्छा, और कहीं टू दिख रहा है आपको, और कहीं टू, अच्छा ये टू देखो, ये टू यहां नहीं आ सकता, टू यहां नहीं आ सकता, और कहीं टू दिख रहा है, देखो ये टू है, तो टू, अब बचे टू के लिए ये पोजिशन, लेकिन और कहीं हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि टू बहुत कम दिया हुआ है। तो नाउ वी विल लीव दिस टू, अब हम टू को छोड़ देंगे, समझ लो बात, अब हम टू को छोड़ देंगे, अब हम बढ़ेंगे थ्री पर। देखो ये थ्री मुझे दिया हुआ है, थ्री यहां नहीं आएगा, ये थ्री दिया थ्री यहां नहीं आएगा, और थ्री इस वाली रो में भी नहीं आएगा क्योंकि यहां थ्री ऑलरेडी आ चुके हैं। ये थ्री देखो यहां नहीं आएगा, अच्छा ये थ्री यहां नहीं आएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, एक थ्री यहां नहीं आएगा, अब बताओ कहीं पर कुछ ऐसी जगह नहीं जहां पे थ्री आ सकता है? आपको कुछ दिख रहा है? एक जगह थ्री का जगह कंफर्म हो गई, एक जगह थ्री कंफर्म हो चुका है, पता है कहां पर? यहां पर ये थ्री कंफर्म हो गया, क्योंकि देखो इधर बाकी सब फिल हो गया तो थ्री यहां पे जरूर आएगा, राइट। अब अगर थ्री यहां पर है, देखो ये रो भी मेरी पूरी लास्ट स्लाइड राइट, अच्छा ये भी बंद कर दो, ये भी नहीं हो सकता थ्री, ये भी थ्री खत्म हो गया। अब बताओ और कहां का थ्री आ सकते हैं? ये देखो सब जगह थ्री हमारा दिख रहा है, यहां पे कहीं भी थ्री आ सकता, तो अभी हम इनका भी बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये दो प्लेस फिल नहीं हो पा रहे, मिडिल लास्ट में कहां आएगा थ्री बताओ? हाँ एक जगह थ्री और आएगा, ये ला नहीं, यहां थ्री नहीं आ सकता, यहां थ्री ऑलरेडी है ना, ये भी थ्री हट गया ना, यहां भी तो थ्री ऑलरेडी है, ये भी हट गया। चलो अभी हमें कोई कंफर्म आइडिया नहीं हो रहा, एक ये भी हटेगा, हाँ यहां पर आएगा ये थ्री आएगा, तो बस कंफर्म हो गया। अब हमारे पास कितनी चीजें कंफर्म हो गई, ये थ्री फिल हो गया तो बच्चा यहां पर थ्री आएगा, कंफर्म हो गया कि यहां पर थ्री आएगा। अब अगर यहां पर थ्री आ गया तो, अब मैंने आपको आगे कुछ बताई थी बात में, देखो भाई अब मेरा क्वेश्चन लगभग हो चुका है जो मुझे चाहिए था, समझ लो बात, ये ऐसे किया जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और इसको जरूर करना सीखो आप लोग। अच्छा मुझे ना इस प्लेस पे पूछा था, मैंने जो मेरा क्वेश्चन था वो पूछा गया था यहां पर क्या आने वाला है, तो पूछा था मैंने आपसे। अब सुनो भाई, मैंने वन को देख रहा था मैं, अगर मैं वन की कंडीशन दोबारा फिल करता हूं तो देखो ये जगह पे वन नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे वन है, ठीक है, इधर वन नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर वन है, अच्छा इधर वन नहीं आ सकता, इधर वन नहीं आ सकता, तो देखो ध्यान देना। अब मेरे पास फिर वही वन फंस रहा है भी इन दोनों जगह पर ना, तो मुझे अभी और कुछ देखना पड़ेगा, मुझे अभी आंसर नहीं आया उस जगह के लिए, उस जगह के लिए आंसर नहीं आया, तो मैं अगला पढ़ता हूं। अब मैं देखूंगा फोर को, अब फोर देखेंगे हम लोग, फोर कहां का है, यही तरीका होता है, यही करना है। देखो ये फोर इस इधर है, फोर और कहां फोर है, ये फोर इधर भी नहीं आएगा, ये फोर इधर भी नहीं आएगा, जहां जहां फोर है उसको उसी तरफ से
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, शुरुआत में लाइन ड्रॉ करते बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी इसके करने की, यहाँ फोर नहीं आएगा, फोर इधर भी नहीं आएगा। अच्छा देखो एक अब और क्या बचता है मेरे पास, और कहाँ फोर आ सकता है, देखो यहां तो ऑलरेडी फोर है, इधर भी फोर है, इधर भी फोर है, यहां पर फोर देखो कंफर्म हो गया कि यहां फोर आने वाला है कंफर्म, क्योंकि देखो इधर सब कुछ भर गया ना। अब हम इस रो को भी बंद कर देंगे, इधर भी मेरा फोर नहीं आ सकता, ये सब फोर वाले भर गए वैल्यू। अच्छा अभी भी कुछ चीजें बचती है, फोर अभी भी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक फोर ये भी है, इधर भी कंफर्म हो गया, बताओ भाई ये फोर कंफर्म हो गया ना, यहाँ पर ये फोर कंफर्म हो गया क्वेश्चन। अब अगर ये फोर कंफर्म हो गया तो यहां भी फोर नहीं आ सकता, ठीक है, ये दो जगह बचती है फोर के लिए। सुनो जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक नई चीज सिखाता हूं मैं आप लोगों को, मुझे कंफर्म हो गया कि देखो यहां पे फोर नहीं आएगा, इधर फोर नहीं आएगा, लेकिन इस रो में फोर जरूर आएगा। अगर इस रो में फोर आने वाला है इसका मतलब यहां पे फोर नहीं होगा तो फोर यहां पर होगा, क्लियर। तो मेरे पास कुछ चीजें आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम चीजों को फाइनल करते हैं, क्या समझे बात। ये फोर कैसे लिखा मैंने, मैंने यहां पे फोर कैसे लिखा, तो नाउ वी गॉट कि भाई यहां पर फोर आने वाला है, ये कंफर्म हो गया कि यहां पर फोर आएगा। अच्छा भाई अभी मेरे पास अभी भी फोर दो जगह बच रहा है, इन दो जगह में कंफ्यूजन है मुझे फोर का। अब हम फोर के बाद बढ़ते हैं फाइव पर, नाउ फाइव देखो। अच्छा फाइव यहां कंफर्म है क्योंकि अब बचा ही क्या, फाइव बचा यहां पर। अब देखो एक रो मेरी पूरी हो गई अली, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा यहां पर। अच्छा देखो अब एक और बहुत फास्ट देखो, अच्छा फाइव है वहां पर, सॉरी तो फाइव नहीं आएगा, कुछ और आएगा ना, ये फाइव की जगह 1 2 3 4 5 6 7 आएगा यहां पर। तो सेवन यहां हो गया, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, देखो दिस इज सेवन की लाइन, दिस इज ऑल्सो सेवन की लाइन, तो कंफर्म हो गया कि यहां पर सेवन आने वाला है, ये सेवन कंफर्म हो गया यहां पर। अब अगर ये सेवन कंफर्म है, ये सेवन हो गया, हो गया क्वेश्चन, दिस इज सेवन। अब मुझे बताओ इस रो में सेवन और कहां बचता है, देखो यहां पे सेवन हो गया, सेवन में कैसे पूरा हो गया ना, नहीं यहां पे सेवन बचा है, ये सेवन होगा क्योंकि देखो ये सेवन नहीं हो सकता, इधर ये सेवन नहीं हो सकता, इधर सेवन हो गया, इधर सेवन हो गया, इधर तो ये सेवन, देखो सेवन पूरा फिल हो गया। यही होता है कि कौन सा जल्दी हो सकता है, ये आपको ढूंढना होता है, सेवन हो गया राइट। ये मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडरेट लिया है, आपको अपने आप से क्वेश्चन धीरे धीरे इंप्रूव करने हैं। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, एट, ये एट दिख रहा है आपको, ये एट है, एट होने से देखो यहां पर एट नहीं आ सकता, ये एट नहीं हो सकता, ये एट नहीं हो सकता, इधर ये एट नहीं हो सकता राइट, इधर ये एट नहीं हो सकता, इधर एट नहीं हो सकता, इधर ये एट है, यहां पर एट नहीं हो सकता, तो एट के लिए इधर तो बच गया हमारे पास, ये कॉलम एट का होगा कंफर्म, ठीक है, दिस कॉलम इज फॉर एट। अच्छा अगर इधर एट आ गया तो ये एट नहीं होगा, ये एट नहीं होगा, तो बताओ ऊपर वाले में एट यहां पे कंफर्म होगा ना। आग ज्योति तुमने मेरी मैथ्स की बुक ली थी ना, ये कंफर्म हो गया वन आंसर, ओके। तुम्हारा नाम आर्क ज्योति सहा है ना, तुम मेरे स्टूडेंट है, चुको ना पहले, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ओके गुड, मैं तुमसे भी बात करूंगा। ठीक है तो नाउ दिस इज वन ऑफ द सेट जो आपको बहुत मजा आया होगा इसको करने में, ये आप लोग थोड़ा ट्राई करना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, ओके एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं आपको एक प्योर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन इज ईच ऑफ द थ्री लॉजिशियन ए बी सी इज वियरिंग हैट, दे नो दैट द हैट्स आर ईदर ब्लैक और वाइट and that not all the heads are white, A can see the heads of B and C, B can see the heads of A and C, C is blind, each is asked in turns if he knows the color of his own hat, the answer are A no, B no, C yes, in this order, इसी order, पहले A ने बोला, फिर B ने बोला, फिर C ने बोला, what is the color of C's hat, बहुत बढ़िया question है, एक pure
रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोगों को जरा ट्राई करता है, सब लोग टेक योर टाइम, यहीं से आपको लॉजिकल रीजनिंग का थिंकिंग स्टार्ट होगी। आर्क ज्योति, आर्क क्लास के बाद जरा मुझे कमेंट करो, अगर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिस पे भी आप मुझे जानते हो वहां पे मुझे कमेंट करो, ठीक है, क्लास के बाद। तुम्हारे पास पहले सब्सक्रिप्शन था ना आर्क ज्योति, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन था ना आर्क ज्योति पहले? हाँ ठीक है, टेलीग्राम पे करना, ठीक है, ओके। हाँ मुझे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है ना, आर्क ज्योति, तो मुझे तुम्हारा नाम याद रहता है हमेशा, आर्क और ज्योति। चलो सॉल्व दिस। ईच ऑफ द थ्री लॉजिशियन ए बी सी, ओके आंसर गलत हो गया, ओके। ओनली ईशान मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट, एक ही बच्चा इसको कर पाया। स्वर्णिमा, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैंने टाइमर दिया है बच्चों को, बच्चे सॉल्व कर लें। कैसे क्वेश्चन का थिंकिंग स्टार्ट करते हैं वो समझना जरूरी है। ए बी एंड सी इज वियरिंग हैट, दे नो, अनस ने भी सही मार्क किया, they know that the heads are either black or white and that not all the heads are white. Now this is the most important condition. Unko ye pata hai ki ya to head black hai ya white hai, ye baat sabko pata hai un teenon ko. Isme C blind hai, lekin ye to pata hai usko bhi ki bhai ya to black hai ya white hai ya sare white nahi hai, matlab sare black ho sakte hai lekin sare white nahi hai. Ye condition aapko yaad rakhni hai ki ye condition hai is question ki. A can see the heads of B and C. A अपना छोड़ के B और C का head देख सकता है। ध्यान समझना, ये concept logical है और यही reasoning आपको सीखनी है। कैसे हम question को start करते हैं, कैसे कोई question hit होता है। अच्छा, B can see the heads of A and C. सीधी बात है, B अपना अपना head नहीं देख पाएगा, लेकिन A और C का head देख लेगा। अच्छा, C blind है, तो C can't see anything. वो A और B के answer से अपना answer देगा। Each is asked in turn if he knows the color of his own hat. तो जैसे माना A से पूछा गया कि भाई तुम्हारा कलर क्या है, तो A ने बोला कि नहीं बता सकता, मतलब उसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ये सीखना है आप लोगों को, ओके। तो चलो हम देखते हैं A, B और C, इनके पॉसिबल हेड्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोवाइडेड सारे व्हाइट नहीं है। तो देखो, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सारे ब्लैक हो सकते हैं, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सारे ब्लैक हो सकते हैं, बोलो यस और नो,
सारे ब्लैक हो सकते हैं, मतलब दिस इज ए पॉसिबिलिटी, हम ऑल पॉसिबिलिटी बनाएंगे, फिर गिव इन रीजनिंग से हम कुछ पॉसिबिलिटी कर्टेल करेंगे, कुछ पॉसिबिलिटी हम हटाएंगे। चलो भाई बी बी बी, उसके बाद ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक ब्लैक, अच्छा दो व्हाइट कर लो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट एंड व्हाइट व्हाइट ब्लैक, ये सेवन पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब जब हम कंडीशन से पहले जब उनको ये पता था कि सारे व्हाइट नहीं है तो तीन व्हाइट नहीं होंगे, तीन ब्लैक हो सकते हैं, बाकी ये कंडीशन हो सकते हैं कि भाई तीनों ब्लैक हो सकते हैं, एक व्हाइट हो सकता है, दो व्हाइट हो सकते हैं, बस ये कंडीशन सेवन कंडीशन बन रही है। अब इन कंडीशन के हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं वो सीखेंगे। नाउ अब ए ने बोला, ए ने बोला, उससे पूछा गया बताओ तुम्हारे सिर पर कौन सा हैट है, तुम्हारे सिर पर कौन सा हैट है। अगर अगर ए को दोनों ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, अगर ए को दोनों ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, ठीक है, तो वो उसे पता है कि तीन ब्लैक तो हो सकते हैं, है ना। अगर उसको दोनों ब्लैक ब्लैक दिखेंगे तो बोलेगा मे बी पॉसिबल मेरे सिर पर जो हैट है वो ब्लैक या व्हाइट कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? अगर मैं पहली कंडीशन को देखता हूं, मैं हर कंडीशन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा, फाइनली कंडीशन क्या बचती है वही हमें सीखना है। अगर ए इन दोनों के कलर ब्लैक देखता है तो उसे पता है कि यार व्हाइट या ब्लैक कुछ भी हो सकता है, सारे व्हाइट नहीं होंगे लेकिन ब्लैक सारे हो सकते हैं, तो उससे कंफ्यूजन है। उसने देखा कि बी और सी के सिर पर ब्लैक ब्लैक हैट है, तो वो कहेगा ओके मेरे सिर पर ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, इसलिए वो नो बोल रहा है। मतलब ये केस हो सकता है, दिस केस इज पॉसिबल, वो कह सकता है कि भाई मेरे सिर पर ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट, इसलिए वो कहता है मैं अभी सर्टन नहीं हूं, इसलिए ए ने नो बोला। अच्छा इस पर आ जाओ, अगर ए ने बी के ऊपर ब्लैक हेड देखा, सी के ऊपर व्हाइट हेड देखा, अगर ए ने बी के ऊपर ब्लैक हेड देखा, सी के ऊपर व्हाइट हेड देखा, अब वो सोचेगा कि यार एक ब्लैक दिख रहा है मुझे, एक व्हाइट दिख रहा है, तो मेरे सिर पर ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, मतलब फिर वो स्टिल कंफ्यूजन है उसको, तो वो बोलेगा नो मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे पर हेड कौन सा है। अब आते हैं इस केस में, ए ने देखा बी के ऊपर व्हाइट, सी के ऊपर ब्लैक, फिर वही कंडीशन, हिज हेड कैन बी ब्लैक और कैन बी व्हाइट। अब अगर ए ने ब्लैक ब्लैक देखा तो भी कह सकता हाँ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, अब इस कंडीशन बताओ ब्लैक व्हाइट व्हाइट, क्या ये कंडीशन हो सकती है? Is this condition possible? Yes or no? You can write in the comment section. Is this condition possible? This condition is not possible. Why? यहाँ पर एक लाइन दी हुई है that not all the hats are white. उसने बोला सबको पता है they know that the hats are either black or white. तो सुनो बात को, इस कंडीशन में नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर A को दोनों व्हाइट दिख गए, अगर ए को दोनों व्हाइट दिख जाएंगे और उसे पता है कि सारे व्हाइट नहीं होंगे, तो इसका मतलब अगर उसे दो व्हाइट दिख रहे तो उसको पता लग गया कि मेरा व्हाइट नहीं हो सकता, तो मेरा ब्लैक ही होगा, तो वो कंफर्म बोलेगा हाँ यस मेरा ब्लैक है, लेकिन उसने बोला नो, इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं है वहां पर, दिस इज नॉट अ कंडीशन विद द गिवन क्राइटेरिया, ए के नो कहने से ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। अच्छा ये कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, मतलब जब मैंने ए का नो आंसर सुना तो मैंने ये छह कंडीशन हो सकती है एक कट गई। क्या ये बात सबको क्लियर है? थम्स अप बटन हिट करो अगर आपको यहां तक समझना है। ये थिंकिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप लोगों को सोचना समझना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हर क्लास में मैं आपको एक बड़ा मैजिकल सेट जरूर दिया करूंगा, जैसे ये मैजिकल सेट है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां तक ये आ गया कि यार ए के नो कहने से उसे समझ में आ गया कि उसके अदर जो हेड होंगे दोनों व्हाइट नहीं हो सकते। सेम केस गोज विद बी, अगर बी को नो बोल रहा है तो मतलब दोनों व्हाइट केस हटा दो, ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि जब बी वाला दोनों में व्हाइट देखेगा तो बोलेगा यार इसका मतलब उसका ब्लैक होगा, दो की पॉसिबल नहीं है, उसने भी नो बोला है, तो ये दो केस तो कट गए हमारे। अब बचे मेरे पास ये केस बचे, ठीक है। अब सी जो कि ब्लाइंड है, वो उन दोनों के आंसर से अपना हैट कैसे कलर बता सकता है? सी जो कि ब्लाइंड है, हाउ कैन ही से मेरा कलर कंफर्म ये है? उसने यस बोला, मतलब वो कंफर्म है उसका कलर क्या होगा। चलो भाई देखते हैं वो किस कंडीशन पे कंफ्यूज रहेगा बताने से। सुनो, सी क्योंकि ब्लाइंड है, वो होशियार बहुत है, जो ब्लाइंड होते हैं ना उनका सिक्स सेंस बहुत काम करता है,
तो वो जब ए का आंसर सुना तो उसके दिमाग में बात आ गई, जब उसने सी का आंसर सुना उसके दिमाग में बात आ गई कि ये कंफर्म है कि या तो मेरे पास, या जब ए आंसर देता है तो या तो मेरे पास या बी के पास वाइट जरूर है, एक वाइट जरूर है, दोनों वाइट नहीं है, एक ब्लैक एक वाइट, ठीक है। जब ए ने मुझे देखा और बी को देखा तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों वाइट नहीं हो सकते हैं। तो ए ने जब बोला कि यस आई एम नॉट श्योर, उसने नो बोला, तो इसका मतलब सी ने समझ लिया कि बी या सी में एक ब्लैक है या एक वाइट है या दोनों ब्लैक है, वो समझ गया ये कंडीशन है। जब ए ने बोला, बी ने जब बोला कि ए और सी के पास, वो भी वही सोच रहा होगा, इसने बोला कि एक ब्लैक एक वाइट या दोनों ब्लैक, ठीक है। इस कंडीशन को हम कैसे एलिमिनेट, जब उसने दोनों के ब्लैक, उससे पता लगा कि देखो जैसे इसने बोला, ए ने बोला नो ब्लैक व्हाइट, मैंने मान लिया चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा केस हम एलिमिनेट कर सकते हैं, विच केस वी कैन एलिमिनेट, बताओ इसमें से कौन सा केस एलिमिनेट हो सकता है। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है सी के लिए। सी ने कहा कि दोनों ने नो बोला है, इसका मतलब उन दोनों ने एटलीस्ट वन ब्लैक हेड देखा है, एटलीस्ट वन ब्लैक हेड देखा है, राइट, कम से कम एक ब्लैक हेड तो देखा ही देखा है, ओके। और जो वो ब्लैक हेड कम से कम देखा है वो बी सी के हेड पर होना चाहिए, जो उन दोनों ने एक ब्लैक हेड देखा है। इस रीजनिंग को जरा सोचो, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं कि सी ने कैसे उसको यस बोला है, कौन सा हम केस हटाएंगे, बस यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कैसे हम सेकंड केस हटाएंगे, एक मिनट दे रहा हूं सोचो। वंशिका ने बोला है थर्ड हम हटा सकते हैं, स्वर्णिमा बोल रही है हम सेकंड हटा सकते हैं सी के आंसर से, सुनो कैसे करेंगे। सी ने कहा कि यार ए ने भी एक एटलीस्ट वन ब्लैक देखा है और इसने भी एटलीस्ट वन ब्लैक देखा है, ये तो मतलब हुआ इस बात का, दोनों व्हाइट नहीं हो सकते क्योंकि पता है कि तीनों व्हाइट नहीं है, तो इसका मतलब बी ए ने कंफ्यूजन बोला उसने भी एक ब्लैक देखा है और बी ने भी बोला है कि उसने एक ब्लैक देखा है, तभी तो उसको एटलीस्ट वन ब्लैक देखा है, और वो ब्लैक किसकी होना चाहिए। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, जब हम बी की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, इसको ब्लैक 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 व्हाइट व्हाइट ब्लैक 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 और ये तीन कंडीशन दिख रही है। अब जब बी ने देखना स्टार्ट किया उसे भी एक ब्लैक एक व्हाइट दिख रहा है एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब ये केस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसको सी को ही कंफर्म हो गया है कि बी ने भी एक कम से कम ब्लैक देखा है और सी ने भी कम से कम ए और बी दोनों ने एक तो ब्लैक देखा है, तभी तो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अगर दोनों व्हाइट देख लेंगे तो वो यस कंफर्म बोल देंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जो सी ने
उन दोनों के आंसर समझ लिया था कि उसके पास एक ब्लैक होगा तभी वो लोग दूसरे का देखकर, देखो अब इसमें आ जाओ, इस केस में आ जाओ, इन सारे केस में सर्टन है, बस इसी केस में सर्टन नहीं है, सी कंफर्म कर लेगा कि उसके सिर पर ब्लैक होगा तभी वो लोग ब्लैक बार बार देख रहे हैं, राइट। अच्छा इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस हिट द थम्स अप बटन अगर आपको बात समझ में आ रही है। पता है सी को पता है कि ए ने भी एक ब्लैक देखा है कम से कम, और बी ने भी एक ब्लैक देखा है, तो वो ब्लैक उसके सिर का देखा होगा, इसका मतलब उसके पास कंफर्म ब्लैक है, इसलिए वो बोलेगा कि यस मेरे सिर पर ब्लैक है, आंसर इज ए ऑप्शन। गॉट दिस पॉइंट? यस हिट द थम्स अप बटन। नहीं सर मैं बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों को। अच्छा लिखो, अगर आपको बात समझ आए तो लिखो कमेंट सेक्शन में अगेन, ये क्वेश्चन हर बार फंसता है बच्चों को। वंशिका, अच्छा हम इसी केस को रिवर्स लेके चलते हैं, ठीक है इसी केस को रिवर्स लेके चलते हैं। क्योंकि ए ने बोला था, मैं इसी केस जो मुझे केस हटाना है उसी को मैं रिवर्स लेके चल रहा हूं, क्योंकि ए ने बोला था कि उसको कंफर्म नहीं, तो इसका मतलब एक ब्लैक एक व्हाइट है किसी के हेड पर, मतलब एक इस ब्लैक के केस में ये दो केस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है इसने नो बोल दिया ब्लैक एंड व्हाइट, अब इसने भी नो बोला है, इसने जब नो बोला बी ने, तो बी ने भी एक ब्लैक देखा होगा और एक व्हाइट देखा होगा कम से कम, राइट। ओके एक मैं पूरा केस दोबारा बनाता हूं मैं, ठीक है ए बी सी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक ब्लैक, और ब्लैक व्हाइट व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट व्हाइट ब्लैक, ऑल व्हाइट आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर सारे व्हाइट नहीं, तो जैसे ए ने अगर इन दोनों के व्हाइट देख लिए तो वो कहते हैं मेरे पास ब्लैक है, दिस इज केस नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए ने बोला था नो। उसी तरह से बी ने जब दोनों के व्हाइट देखेंगे तो वो भी कंफर्म हो जाएगा मेरा ब्लैक है, दिस टू केस आर नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब सी को समझ में आ गया कि अगर वो कंफ्यूजन है तो सी ने चेक किया कि या तो ए और बी इन लोगों ने एटलीस्ट वन ब्लैक देखा होगा, वन ब्लैक देखा होगा, इसने भी एटलीस्ट वन ब्लैक देखा होगा, सी को समझ में आ गया। अब अगर उन लोगों ने एटलीस्ट वन ब्लैक देखा होता तो वो ब्लैक किसकी सिर पर होना चाहिए था भाई, कम से कम एक ब्लैक जरूर देखा होगा उन लोगों ने, क्योंकि वो तो देख सकते हैं ना एक, तो इसका मतलब ये वाला केस में वो समझ जाएगा कि मेरे को छोड़कर बाकी सबके पास एक वाइट जरूर होना चाहिए, मेरे को छोड़कर सबके पास एक वाइट जरूर होना चाहिए, इसलिए दोनों ब्लैक पॉसिबल नहीं है, वो सी वाला वाइट नहीं हो सकता है, वो केवल और केवल ब्लैक हो सकता है, ये चार केस पॉसिबल है। इसका मतलब इन चारों केस में सी के सिर पर ब्लैक हैट ही हो सकता है बस, तो वो कहेगा यस कंफर्म, इसलिए उसने यस बोला, आंसर इज बी ए ऑप्शन।
क्लियर, मजेदार क्वेश्चन था। अच्छा एक सेट में कराऊंगा तुमको, और एक और अच्छा सेट। हाँ ये सेट देखो, ये ट्रैक करना होता है, टेबल मैट्रिक्स बनानी होती है, उस मैट्रिक्स में वैल्यू फिल करनी होती है। हमारे पास क्वेश्चन है, देर आर टू रेड वन ग्रीन एंड वन ब्लू बॉल्स, दीज फोर बॉल्स आर टू बी प्लेस इन थ्री बॉक्सेस, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, सच दैट ईच बॉक्स कंटेन एटलीस्ट वन बॉल एंड बॉक्स थ्री हैज टू बॉल। दिस इज सिनारियो। हमारे पास सीन ये है कि मेरे पास एक बॉक्स वन है, एक बॉक्स टू है, एक बॉक्स थ्री है, ठीक है। मेरे पास दो रेड बॉल है, मेरे पास एक ग्रीन बॉल है, मेरे पास एक ब्लू बॉल है। मुझे इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में रखना है। वन रेड बॉल इज डेफिनेटली प्लेस्ड इन द बॉक्स थ्री। ये मेरे पास पहली कंडीशन है कि बॉक्स थ्री में एक रेड बॉल जरूर आएगी। ऑल्सो इट इज नोन, अब ये पांच कंडीशन है, इन पांच कंडीशन के हिसाब से आपको सेट करना है कि किसमें कौन कौन सी बॉल होगी। ये जो एक रेड यहां पर होगी तो मेरे पास बची एक रेड, अब मुझे एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू इनमें फिक्स करनी है, तो कौन सी बॉल किस बैग में आएगी वो आपको इस कंडीशन से फिल करना है। स्टार्ट करो। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इसमें ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल प्लेस्ड इन दैट ऑर्डर, बॉक्स वन, बॉक्स टू एंड बॉक्स थ्री। मतलब इसमें कौन सा एक ऑर्डर होगा जो बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री में होना चाहिए। तो जरा आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एंड यू हैव 3 मिनट टू आंसर दिस। ओके, वंशिका, आग ज्योति, देखो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हम एक, अब यहां पर ना मैट्रिक्स होगी, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, और बिना टेबल के क्वेश्चन नहीं होते, उसको ध्यान समझना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा टेबल बनाऊंगा,
जो जो कंडीशंस होंगे लिखते जाएंगे, फिर देखेंगे क्या नहीं हो सकता है। तो दिस इज फॉर बॉक्स वन, दिस इज फॉर बॉक्स टू, दिस इज फॉर बॉक्स थ्री। अच्छा, बॉक्स थ्री में रेड रेड बॉल तो सब में एक एक रख दो आप, रेड 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 तो सब में होगी होगी, ठीक है, एक एक रेड तो है ही, मतलब उसने बोला कि ऑलरेडी रेड है, तो मैं कुछ कंडीशन देखते कितनी बन सकती है, मैंने छह लिख दी है, क्या इनमें से कोई सी कंडीशन हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, यहां बोल रहा है कि वन रेड बॉल इज डेफिनेटली प्लेस इन बॉक्स थ्री, ऑल्सो इट इज नोन दैट द टू रेड बॉल डू नॉट गेट प्लेस इन द सेम बॉक्स, मतलब यहां पर अब रेड नहीं आ सकता है। तो देखो अब मैं क्या बनाता हूं, फर्स्ट कंडीशन के बाद रेड कौन कौन सा है, ब्लू एंड ग्रीन है ना, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू कर सकता हूं, रेड यहां कर लो, रेड ब्लू ग्रीन और रेड ग्रीन ब्लू, क्या और कोई चांसेस है, रेड इधर जाएगा नहीं, तो दीज आर द पॉसिबिलिटी, ये चार पॉसिबिलिटी, दो तो बनेंगी नहीं, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, राइट। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी आगे कैंसिल हो रही है। देखो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यूज कर लिया कि रेड इज नॉट देयर इन द थर्ड बॉक्स, द ब्लू बॉल एंड द ग्रीन बॉल आर इन डिफरेंट बॉक्सेस, तो ब्लू एंड द ग्रीन बॉल, ठीक है, वो कंडीशन तो यहाँ पे फेल ही हो गई है, क्योंकि जब पहली कंडीशन हो गई कि द टू रेड बॉल डू नॉट गेट प्लेस, अगर मैं यहाँ पे दोनों रेड कर दूंगा तो क्या होगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, दो एक रेड इधर से हट जाएगी, तो फर्स्ट कंडीशन होने से एक रेड को मुझे इधर करना पड़ेगा, तभी तो ब्लू ग्रीन यहां पर आएंगी, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए यूजलेस कंडीशन थी, रेड को मुझे थर्ड रखना, तो फिर मुझे पास ब्लू ग्रीन कभी साथ नहीं आ सकती, सेकेंड कंडीशन इज यूजलेस। अच्छा, इफ बॉक्स थ्री डज नॉट कंटेन द ब्लू बॉल देन बॉक्स वन कैन नॉट कंटेन अ रेड बॉल, अगर बॉक्स थ्री में ब्लू बॉल नहीं है, एक कंडीशन ये है, बॉक्स वन कैन नॉट कंटेन रेड, यहां पर ब्लू बॉल नहीं है, यहां पर रेड भी नहीं होगी, तो ये केस नहीं हो सकता, ये काट दो, ठीक है, एक मेरे पास इस कंडीशन से आई कैन एलिमिनेट फर्स्ट ग्रुपिंग। इफ बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द ग्रीन बॉल देन बॉक्स थ्री कैन नॉट कंटेन द ब्लू, तो अगर बॉक्स वन में ग्रीन बॉल नहीं है, मतलब रेड है, तो यहां पर ब्लू बॉल नहीं हो सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया। देखो समझो इस बात को, इफ बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द ग्रीन बॉल के अलावा कुछ और, देखो यहां पर जो रेड है, तो अगर यहां पर रेड है तो यहां पर ब्लू नहीं हो सकती, वही बोला ना, द बॉक्स थ्री कैन नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, तो दिस केस कैंसिल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पर ब्लू है, ये भी ग्रीन नहीं है ना, इफ बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द ग्रीन बॉल देन बॉक्स थ्री कैन नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, तो ये हो सकता है केस। आगे देखते हैं, यहां पर ग्रीन बॉल है, चलो इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इफ बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, अगर वो ग्रीन है वहां पर, देन बॉक्स थ्री ऑल्सो कैन नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, ये भी नहीं हो सकता, तो केवल केस मेरा बचा ये। तो फाइनल जो मेरे पास केस आ गया, अब यही तो होती है कंडीशंस, बॉक्स वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री, तो मेरे पास क्या क्या हो गया, मेरे पास हो गया ब्लू इसमें है, इसमें रेड हो गया, इसमें एक रेड है और एक ग्रीन है, मैंने कलर वाइज कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल प्लेस इन दैट ऑर्डर, बॉक्स वन ब्लू रेड ग्रीन, यस दिस बी इज द आंसर, ठीक है, सबको समझ में बात ये, तो ये है तरीका, ऐसे करने चाहिए इन क्वेश्चन को, मजा आया इस क्वेश्चन में, इसका एक सेट और कर लेते हैं। इफ द ग्रीन बॉल इज इन बॉक्स ए एंड द ब्लू बॉल इज इन बॉक्स बी, ये बॉक्स ए और बॉक्स बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, चलो उसको सॉल्व करो, आपको मैं इसमें केवल 90 सेकंड दूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस। ओके रोहन,
ओके, बॉक्स जो ए नाम दिया गया उसमें हमने ग्रीन बॉल रखी है, और बॉक्स बी जो नाम दिया उसमें मेरे पास ब्लू बॉल आई है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल किस बैग में थी भाई? ग्रीन बॉल किस बैग में थी? ग्रीन थी 3 नंबर, तो बॉक्स 3 में थी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू होगी 3। और ब्लू बॉल किस बॉक्स में थी? 1 में थी, तो बॉक्स 1 में ब्लू बॉल थी, तो बी की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन सिखाया। अगर आपको ये हैट वाला क्वेश्चन ना समझ में आया तो थोड़ा टेंशन मत लेना, मैं इसको अगली क्लास में फिर और एक बार और कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, आप इसको ट्राई कर लेना। एक सेट और मैंने लिया था, वो मैं आज करा नहीं पाया, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसको भी आप तैयार करके रखना। नेक्स्ट क्लास मेरी फ्राइडे को, मैंने लिंक आपको दे दिया है, एंड मेरी जो बुक है ना अभी ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री। इस बुक का जो अमेजन लिंक है इसके साथ आपको किंडल एडिशन में मिल जाएगा, तो यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, ठीक है, आई विल गिव यू द लिंक। इस लिंक के थ्रू आप इस बुक को पढ़ सकते हो, इफ यू लाइक यू कैन परचेज दिस बुक। और हम लोगों का जो सिलेक्शन रेट रहा बहुत अच्छा रेट था, मोर देन 85 लर्नर्स गॉट 99+ परसेंटाइल, मोर देन 85 लर्नर गॉट 80 98, तो ऑलमोस्ट 170 स्टूडेंट का 98+ परसेंटाइल आया, 95 to 98 के बीच में, 160 ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट 95+ रहे। यू टू कैन ज्वाइन द लीग ऑफ दीज। तो देखो अगर आप कोई भी एलआर का सेट सॉल्व करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द डेटा, जो भी आपको डेटा दिया उसको सिंप्लीफाई करो। सिस्टमेटिक अप्रोच, अब सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए आपको गिवन डेटा को मैट्रिक्स या टेबल फॉर्म में बनाना बहुत जरूरी होता है। मैट्रिक्स बनाओ या टेबल फॉर्म, या राइट ऑल पॉसिबिलिटीज, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको लिखना पड़ेगा। मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी एलआर का क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में आपको जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो भी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ट्राई टू मेक ऑल दोज मैट्रिक्स। उसके बाद उसमें रोज एंड कॉलम की इंपॉर्टेंस होती है, रोज एंड कॉलम में क्या क्या लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। निशांत ये डिफरेंट और सेम दोनों कॉन्सेप्ट ले सकते हो, ठीक है, बेसिक है वही चीज जो आप 9 PM पे कर रहे हो, बट ये कि आप अगर एलआर में थोड़ा वीक हो तो इसको रिपीट कर सकते हो क्लास को आप लोग। अच्छा सिंप्लीफाई द डेटा, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो एलआर का, तो उन क्वेश्चंस में, एलआर के क्वेश्चंस में होता क्या है, हाँ वहां तो होगी होगी, वो तो होगी क्लास, वो तो क्लास होगी, वो तो बैच ही है पूरा, वो तो पूरे फरवरी तो बैच चलेगा चलेगा। ये मैंने कुछ बच्चों को जो बेसिक से 24 की प्रिपरेशन करें उनके लिए क्लास लगाई कि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह से एलआर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको डेटा को सिंप्लीफाई करना चाहिए, जो आपके पास कंडीशंस गिवन होती है उनको वन बाय वन लिखो और फिर उसके हिसाब से टेबल में एंट्री करना स्टार्ट करो, राइट, दिस इज द प्रोसेस। अब प्रैक्टिस फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, एकदम से डिफिकल्ट सेट नहीं उठाना है, और जितने ज्यादा शॉर्ट सेट सॉल्व कर सकते हो उतना करो, क्योंकि देखो बिफोर, अब आपका कैट का 24 की अगर आप बात करोगे तो कैट में आपके पास अराउंड 10.5 मंथ बचे हैं, तो आपको एटलीस्ट 300 to 400 सेट करके जाना है बिफोर द कैट एग्जाम, जिसमें कि इजी सेट आपके कम से कम 50 होने चाहिए, मॉडरेट 100 और एडवांस लेवल के कम से कम आपके 250 सेट होने चाहिए, 150 से 250। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, कैट के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अच्छा आज मैं आपको थोड़ा लीनियर अरेंजमेंट में कुछ चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ। अच्छा एक और कुछ बातें समझ लो, सिट्स एग्जैक्टली राइट और लेफ्ट, इसका मतलब क्या है? जब हम लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, जैसे माना दो लोग हैं, ए मान लेते 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, दे आर सिटिंग इन दिस मैनर, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग बैठे हुए हैं। नाउ अगर इन 6 लोगों के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि सी सिट्स राइट ऑफ ए, क्या ये बात सही है? सी सिट्स राइट ऑफ ए, क्या ये बात सही है? कमेंट सेक्शन लिखो यस और नो। मैं बोलता हूं सी सिट्स एग्जैक्टली राइट ऑफ ए, क्या ये सही है?
दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट है. जब एग्जैक्टली वर्ड आता है ना, वेन एवर वी हैव एग्जैक्टली वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि उसके जस्ट बगल में होना चाहिए. तो एग्जैक्टली वर्ड में अगर मैं कहता हूं सी सिट्स राइट ऑफ ए, तो वो अगर आप ए को देख रहे हो, जब भी आप लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हो ना, तो अपने आप को जगह बैठा लो. मतलब मान लो कि आप ए पर बैठे हो या आप सी पर बैठे हो, अब आपके लिए ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड. इसका बड़ा ध्यान रखना, इस पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं. मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा. तो सी के अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इफ आई कंसीडर माई सेल्फ दिस विल बी राइट, मेरा राइट हैंड इधर, तो ये राइट हो गया, दिस इज लेफ्ट, राइट. तो इससे से एज्यूम करना है सी सिट्स राइट ऑफ ए, तो सी जो है ए के राइट, ए का राइट ये हुआ, ए का लेफ्ट ये हुआ, राइट. तो आई कैन से कि सी सिट्स राइट ऑफ ए. अब वो पोजिशन कोई भी हो सकती है, राइट. देर मे बी सेवरल पोजिशन पॉसिबल. अगर मैं आपसे बोलता हूं देर आर 5% ए सिट्स टू प्लेस राइट ऑफ बी. देर आर 5 पीपल हैं, ए बी सी डी एंड ई. ए सिट्स टू प्लेस राइट ऑफ बी. तो मुझे बताओ इसको कैसे आप इसको कैसे डील करोगे, इस स्टेटमेंट को कैसे डील करोगे. तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि एज मेनी कंडीशंस पॉसिबल आपको सब बनानी पड़ेगी. मेरे पास 5 पर्सन है, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5. अच्छा 1 2 3 जितनी पॉसिबिलिटी हो बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5. देखो ए जो है बी के राइट पे बैठ रहा है 2 प्लेस. तो बी अगर यहां पर, ए दूसरे प्लेस पर होगा, या तो बी यहां पर होगा, ए यहां हो सकता है, फिर बी यहां ले लो, ए होगा यहां, और अगर बी ले सकता हूं यहां, तो ए यहां होगा. तो देर आर 3 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2 एंड पॉसिबिलिटी 3. क्या ये बात तुम लोग समझे? तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं बोलता हूं ए सिट्स टू प्लेस राइट ऑफ बी, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इस तरह से कि जो ए है वो बी से 2 प्लेस राइट है. तो बी अगर यहां पर है, 1 2, ए यहां पर हो गया, राइट. सेम वे बी यहां भी हो सकता है, ए यहां हो जाएगा, फिर बी यहां हो सकता है, फिर यहां. तो मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, आपको हर पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी. तो सिट्स लेफ्ट और राइट, और एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अच्छा एक और बात समझते हैं हम लोग, ये बात सबको समझ में, थम्स अप बटन हिट करो. अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको ज्यादा आइडिया होगा. हिट द थम्स अप बटन इफ यू गॉट दिस पॉइंट. अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं बोलता हूं 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी एन यू, देर आर 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू, आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी. ओके, हाउ मेनी पॉसिबल कंडीशंस आर देयर विद दिस कंडीशन, इस एक स्टेटमेंट से कितने आप अरेंजमेंट बना सकते हो? कैन यू टेल मी हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, और कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो विद दिस कंडीशन, आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी. एक सोचो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. अब कितने, देखो R sits exactly, अब देखो यहां पर तुम्हें गलती कर गए. देखो Q T R एक केस ये बनेगा, 1 2 3 4, बल्कि एक काम करो, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसमें क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा कंडीशन बनानी पड़ जाएंगी, ऐसे कर लेते हैं लाइन ड्रॉ, ठीक है. ये मेरी फर्स्ट कंडीशन, अब देखते हैं सेकंड में क्या होगा, फिर थर्ड में क्या होगा, फिर फोर्थ में क्या होगा, देखते हैं कितनी बन सकती है. तो पहली बार तो क्यू आर टी हो गया, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, 6 लोग है ना. अच्छा अब आगे समझो जरा, यहां पर ही प्रॉब्लम होती है. इज दिस केस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्या, ये भी तो पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. अगर R sits exactly between Q and T, तो भाई बीच में ये exact नहीं है, ये भी तो दूसरे place पर, इधर दूसरे place पर exactly है, इसमें भी हमारी कई conditions बनेंगी, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, फिर conditions, अरे
आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी. अब ये एग्जैक्टली पास में थोड़े बिटवीन वर्ड है ना, बिटवीन का मतलब ये एग्जैक्टली बिटवीन मिडिल में नहीं आ रहा है, इसके मिडिल में आ तो रहा है. ये केस पॉसिबल है भाई, क्यू आर टी. तो मेरे पास टोटल फाइव पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ये बात गलती मत कर देना. देर आर फाइव पॉसिबिलिटीज, देर आर फाइव पॉसिबिलिटीज, ठीक है. और डायरेक्शन का लॉजिक होता है, तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है. एग्जैक्टली बिटवीन में ये भी केस पॉसिबल है, राइट. अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है आज के सेशन में. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, और मैं इसके आपको पोल दूंगा. डू नॉट ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. मैं इसके लिए आपको पोल दूंगा. ओके, ट्राई दिस. इट सेज सिक्स पीपल नेमली ताविस, सुयस, गणेश, दानिश, नील एंड जयंत आर स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ रेलवे टिकट काउंटर. फर्दर इट इज नोन दैट गणेश इज टू पोजिशन अहेड ऑफ जयंत, ओनली नील इज अहेड ताविस, नीदर सुयस नॉर जयंत इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द स्क्वायर क्यू. हाउ मेनी पीपल आर अहेड ऑफ दानिश बट बिहाइंड ऑफ ताविस? 0, 2, 3 एंड 4. जरा ट्राई करो, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है. ट्राई दिस. ओके, देखो कितना बेसिक लेवल क्वेश्चन है. यही तो चीज आपको सीखनी है. एक बात ध्यान रखना, डीआई एक ऐसा टॉपिक है जिससे जितना डरोगे उतना तुम्हें और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो कैसे सोचते हैं, देखो एक क्यू में लगे हुए, तो देखो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है. ऐसे कुछ कर लेते हैं, क्यू बना लेते हैं. ये सबसे फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, फाइव नंबर पर, देखते कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी. और दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन. तो देखो पॉसिबिलिटी वन, देखते कितनी बनती है. हम एक दो ही लेके चल रहे हैं. अभी क्वेश्चन कह रहा है गणेश इज टू पोजिशन अहेड ऑफ जयंत. गणेश जो है वो टू पोजिशन अहेड ऑफ जयंत से दो पोजिशन आगे है, ठीक है. तो गणेश अगर यहां पर होगा तो जयंत यहां पर होगा, क्योंकि गणेश आगे है उससे दो पोजीशन, ठीक है. गणेश अगर यहां होगा तो जयंत यहां होगा, एक पोजीशन और बनेगी. गणेश यहां होगा, जयंत यहां होगा. क्या ये बात तुम लोग समझते हो? क्या ये बात क्लियर है? हमने जो पहला स्टेटमेंट देखा, और बहुत आराम से करना स्टार्ट किया करो, गणेश जयंत से दो पोजीशन आगे है. तो जयंत अगर यहां होगा तो 1, 2, गणेश यहां पर.
अगर जयंत यहां पर, दो परिसेशन आगे गणेश और जयंत यहां पर, तो यही तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने यूज कर लिया। क्या ये बात तुम लोग समझ गए एवरीवन? तो गणेश जो है वो टू पोजिशन जयंत से आगे है, ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, हमने ये वाला स्टेटमेंट पूरा पूरा यूज कर लिया। नाउ ओनली नील इज अहेड ऑफ ताबिस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली नील इज अहेड ऑफ ताबिस, इसका मतलब क्या है? ताबिस के आगे केवल नील है। अब इन तीन पॉसिबिलिटी में ऐसा कौन सी पॉसिबिलिटी जहां पर ऐसा हो सकता है जिसमें नील आगे हो? तो ओनली पॉसिबिलिटी इज थर्ड वन, तभी तो हो पाएगा, तभी कैसे हो पाएगा? बोलो। अच्छा, छह लोग हैं यार, एक और बना पाएगा मुझे, एक और बना पाएगा केस, एक और केस चलेगा, ऐसे भी जाएगा, एक और केस जाएगा ना। ओके, ये हो गया मेरा, यहां पर एक केस हो जाएगा गणेश और जयंत। तो अब ये बोल रहा है नील, तो ये मेरे पास इस कंडीशन से जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके आने से मेरे दो स्टेटमेंट, दो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। ओनली नील इज अहेड ऑफ ताबिस, क्या आप लोग यहां तक साथ हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं बाय दिस सेकेंड स्टेटमेंट। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट पर, नीदर सुयस नॉर जयंत इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू। अब इसका मतलब क्या? नीदर सुयस नॉर जयंत, ना तो सुयस है ना जयंत है, तो अगर जयंत एंड में नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई मेरी, क्योंकि यहां पर मैंने जयंत को एंड में डाला हुआ है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। तो मेरे पास बचता केवल ये पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी थ्री, और बोला नीदर सुयश, सुयश यहां पर नहीं तो सुयश यहां पर होगा, बचा कौन? बचा कौन? दानिश बचा ना, दानिश यहां पर होगा। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर NTGSJD। तो मैंने आपको क्या बताया कि राइट ऑल द पॉसिबिलिटीज, अगर आप सारी पॉसिबिलिटी नहीं लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दोगे, राइट? अब मेरा क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया मेरा अरेंजमेंट, किसी को प्रॉब्लम हो तो कैन आस्क मी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो यू आई कैन आस्क दिस। नाउ मुझे पूछा है हाउ मेनी पीपल आर अहेड ऑफ दानिश, दानिश से अहेड, इससे आगे, और ताबिज के पीछे। तो एक दो तीन, आंसर इज थ्री, सी इज द आंसर। अच्छा, आप लोगों ने गलती कर दी होगी, शायद किसी एक पॉसिबिलिटी को आपने गलत ले लिया होगा। गॉट दिस पॉइंट? हिट द थम्स अप बटन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल चीजें चल रही है अभी, बहुत एडवांस नहीं है, एडवांस में आगे आऊंगा, ये बिगनर लेवल है। आपको कैसे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है, गॉट इट? अगले क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ सिक्स पीपल, अ ग्रुप ऑफ सिक्स पीपल नेमली अमित, बोमन, चमन, दमन, ईश्वर एंड फहीम आर सिटिंग इन अ रो। अमित एंड फहीम आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। चमन इज टू प्लेस टू द राइट ऑफ ईश्वर एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन अमित एंड बोमन, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईश्वर। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईश्वर? अमित है, फहीम है, दमन है, बोमन है। तो इसको आपको ट्राई करना है, राइट? सॉल्व दिस आराम से, टेक योर टाइम, जल्दीबाजी मत करना। मैंने आपको 2.5 मिनट, बल्कि 3 मिनट दे दे रहा हूं। टेक योर टाइम, यहीं से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बहुत बड़े क्वेश्चन करने से पहले हमेशा छोटे छोटे स्टेप लिए जाते हैं। अगर आप कैट को टारगेट करो तो एकदम सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो टेक योर टाइम, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है।
गलती कर दी आप लोगों ने। ओके अनुभव मार्गदान सा करेक्ट, एक बच्चे का आंसर करेक्ट आया। देखो DILR में यही तो होता है, अगर आप सब कुछ सही करोगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा आराम से किया करो, जल्दीबाजी नहीं। अगर आप सब कुछ सारी कंडीशन को फॉलो करते हो। ओके वंशिका एंड अनुभव मार्गदान सा करेक्ट। ओके चलो जब तक तुम लोग करते हो मैं कंडीशन स्टार्ट करता हूं। मेरे पास अमित बोमन तो ये पता है क्या कह रहा है, इनिशियल्स ले लो ABCDENF, दीज आर सिक्स पीपल सिटिंग इन रो, अमित एंड फहीम आर सिटिंग एडजेसेंट टू इच अदर। अब इस बात से क्या हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसा केस बना देता हूं, मुझे क्योंकि कई सारी कंडीशंस बनानी पड़ती हैं इन क्वेश्चंस में, तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा आप लोग को टाइम लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको डेवलप करना है इन चीजों को। हाँ सिक्स सिक्स वाला मेरे पास पोजिशन थी, तो देखते कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, ठीक है। ये मेरे पास कुछ मैंने ऐसे ब्लॉक्स बना लिए। ओके ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऐसा है। ओके नाउ क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड फहीम। ओके अमित एंड फहीम आर सिटिंग एडजेसेंट टू, या तो अमित फहीम होगा या फहीम अमित होगा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसको हम कुछ नहीं करते, तो बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी, बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो अभी रुक जाओ उसके लिए, आगे बढ़ते हैं। चमन इज टू प्लेस टू द राइट ऑफ ईश्वर एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, चमन इज टू प्लेस राइट ऑफ ईश्वर, ठीक है। चमन जो है वो टू प्लेस राइट ऑफ ईश्वर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, चमन और ईश्वर में से कोई भी एंड पर नहीं बैठ रहा है, और चमन जो है वो दो प्लेस राइट ऑफ ईश्वर है। नाउ इसको कैसे बनाएंगे, बस यही, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखो अगर ईश्वर यहां पर होगा तो चमन यहां पर होगा, बिकॉज ईश्वर एंड चमन कांट बी एट एंड पोजिशन, दिस इज एंड पोजिशन। अच्छा या तो ईश्वर यहां होगा चमन यहां होगा, बस ये दो केस बन रहे हैं, मतलब अब हमारे पास बाकी के केस हमारे लिए इररिलेवेंट हो गए, हमारे लिए बस दो ही केस बनेंगे, ठीक है, ये दो केस बनेंगे। क्यों भाई, यही तो हो ना, अब आपको समझ में आ गया, हम बाकी केस हटा सकते हैं, वाले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ईश्वर और चमन, चमन ईश्वर से दो प्लेस राइट है, ठीक है। तो अगर ईश्वर यहां पर होगा तो चमन यहां पर होगा, दो प्लेस आगे। अच्छा अगर ईश्वर यहां पर रख दो तो वो तो मना किया ना इन लोगों ने, हम ईश्वर को यहां पर ही रख सकते हैं, क्योंकि उस केस में मना किया, नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीमेंट, तो मेरे पास दो ही पोजीशन बनती है, ईश्वर यहां पर, चमन यहां पर, ईश्वर यहां पर, चमन यहां पर, क्योंकि अगेन मैं करूंगा तो ईश्वर चमन यहां आ जाएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, राइट, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। नाउ देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन अमित एंड बोमन। अब नाउ एक बात मैंने आपको बताई थी, अमित और फहीम साथ साथ बैठे, मतलब पहले अमित होगा तो बगल में फहीम, या पहले फहीम होगा तो अमन होगा, इसका मतलब ये जो मेरे पास डायग्राम बन रहा है ना इन दो केसेस में, अब बताओ अमित और फहीम की जगह ये दो हो सकती है या ये दो हो सकती है, क्योंकि उनको साथ साथ बैठना है, तो अगर अमित यहां पर तो फहीम यहां पर, या अगर फहीम यहां पर तो अमित यहां पर, उसी तरह से अमित यहां पर तो फहीम यहां पर, इधर फहीम तो यहां पर अमित, मैंने क्रॉस किया ना, इसका मतलब ये चलेगा इसके साथ, ये चलेगा ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास दोनों के बैठाने की कंडीशन हो गई, क्लियर। ये मुझे एक आइडिया मिल गया कि भाई यहां यहां हो सकता है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने कौन कौन सी कंडीशन यूज कर ली, आई यूज्ड अमित एंड फहीम आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मैंने ये यूज कर लिया, चमन इज टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ ईश्वर एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। इसके अलावा इन इन कंडीशन से मैं केवल ये दो फिल कर सकता हूं, कंडीशन और कुछ नहीं हो सकता। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, इट सेज देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन अमित एंड बोमन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन अमित एंड बोमन। अब अगर अमित यहां पर हो, सोचो अगर अमित इस प्लेस पर होता तो अमित के बगल में एक बंदा होगा, फिर बोमन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, अमित और बोमन के बगल में बीच में एक बंदा होना चाहिए। अगर मैं अमित को, जिसको मैंने येलो से किया है, अगर मैं अमित को यहां मानता हूं तो इसका मतलब, अगर मैं अमित को यहां मानता हूं तो मुझे भी यहां पर बोमन होना चाहिए था, तभी तो एक बंदा बीच में आएगा। मींस क्या हुआ, ये केस पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये केस तो इधर फहीम पॉसिबल नहीं होगा।
अब अमित के बगल में एक बंदा, बीच में फिर बोमन, तो अमित के इधर एक बंदा, बीच में बोमन, यस सॉरी, अमित और बोमन के बीच में एक बंदा, सी यस, ये केस वॉश हो गया। तो फहीम, अमित, चमन, बोमन, ईश्वर एंड यहां पर कौन आ जाएगा, कौन बचा, दमन, डी आ गया। अच्छा अभी सेकंड केस को देख लो, दिस इज केस पॉसिबल, जो मेरा काम हो गया। अच्छा अब यहां देखते हैं, अगर मैं अमित को यहां पर लेता हूं तो फिर वही केस प्रॉब्लम बनेगी कि अमित फिर एक बंदा बीच में फिर यहाँ बोमन, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता, फहीम यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब फहीम यहाँ होगा, अमित यहाँ होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर बोमन होगा, बचा कौन, दमन। तो ये मेरे पास केस हो गया, मतलब उल्टा सीधा केस बना, इधर से भी जा सकते हैं। देखो एफ ए सी बी ई, एफ ए ई बी सी डी, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईश्वर, ईश्वर के इमीडिएट राइट में बोमन है, इधर ईश्वर के इमीडिएट राइट में बोमन है, मतलब इन एनी ऑफ द केस, दोनों केस पॉसिबल हैं विद द गिवन कंडीशन, इन एनी केस ईश्वर के बगल में बोमन बैठा हुआ है, तो मेरा आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्या आप लोग समझे जिनका गलत हुआ, कैसे इसको अप्रोच करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन अप्रोच किए जाते हैं एग्जाम्स, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, अभी तो बहुत बेसिक लेवल चल रहा है। डिड यू गेट दिस पॉइंट, ये तो बहुत बेसिक लेवल चल रहा है, अभी धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा आप लोगों का। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, क्लियर, हिट द थम्स अप बटन। अभी तो मैंने आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, अभी मैं आपको मल्टीपल कंडीशन सिखाऊंगा, ये तो मैंने आज आपको दो क्वेश्चन करा, मैं एक एडवांस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। यस थम्स अप बटन हिट कर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको बात समझ में आ गई, गुड। अभी आपने जो सीखा, जो क्वेश्चन करे वो बहुत इजी लेवल क्वेश्चन थे, अब एक और इजी कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सेवन पीपल, पंडित, कासिम, रमेश, समीर, तनुल, उदयन, वरुण आर सिटिंग इन अ रो, रमन एंड समीर सिट नेक्स्ट टू इच अदर, देर आर एग्जैक्टली फोर पीपल बिटवीन कासिम एंड वरुण, समीर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कासिम। ये मेरा पहला क्वेश्चन, इसमें बेस मेरे पास चार क्वेश्चन है, तो जरा पहले क्वेश्चन का आप आंसर, क्योंकि जब आप सेट बनाओ तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, तो ट्राई टू मेक दिस सेट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। If Pandit and Tanul are separated by exactly 2%, then who sits to the immediate right of Varun? Pandit, Tanul, Uday and Raman. Yes, try this. गुड, ओके, अनुभव, सोनिका, सनिका एंड दीपिका। सनिका तुमसे गलत, अच्छा सनिका तुम कर रही हो सॉल्व। अच्छा इस क्वेश्चन में ना कंडीशनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो तो बहुत सारी कंडीशंस आपको एलिमिनेट करनी होंगी। ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। सेवन पीपल, पंडित, पहले मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, पहले हम कंडीशंस पे आते हैं। सेवन पीपल, पंडित, कासिम, तो मुझे सात लोगों का डेटा बनाना है।
आई हैव टू ड्रॉ अ फिगर फॉर 7 पीपल, तो देखते कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो भाई, 7 पीपल, पंडित, कासिम, रमन, समीर, तो मेरे पास पी क्यू आर एस टी यू एंड वी के बारे में बोल रहा है, राइट, इन अ रो, रमन एंड समीर सिट नेक्स्ट टू इच अदर, तो रमन एंड समीर नेक्स्ट टू इच अदर, तो रमन समीर हो सकता है, समीर रमन हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, मैं 7 लोगों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मैंने 7 places बना लिए। देर आर एग्जैक्टली 4 पीपल बिटवीन, अब यहां से लाइन स्टार्ट होगी, मतलब मुझे एग्जैक्टली 4 पीपल बिटवीन कासिम एंड वरुण, एंड आगे बोल रहे समीर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कासिम, इसका मतलब अगर मैं इसके मल्टीपल लेयर बनाता हूं, वन, मैं देखता हूं कितने कंडीशन बनेंगे और क्या क्या उसमें एलिमिनेट होगा। आपको इनिशियल लेवल सिखा रहा हूं, बहुत आराम से बता रहा हूं चीजों को, बाद में हम इसको तेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि देर आर एग्जैक्टली 4 पीपल बिटवीन कासिम एंड वरुण, मतलब कासिम और वरुण के बीच में 1, 2, 3, 4, ध्यान रखना वरुण कासिम भी हो सकता है, मतलब आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले लूंगा कासिम या वरुण, 1, 2, 3, 4, वरुण कासिम, ठीक है, फिर मैं करूंगा कासिम एंड वरुण, वरुण एंड कासिम, समझो मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है बिकॉज वी हैव 7%, क्लियर। अब जो मेरी अगली कंडीशन है, समीर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कासिम, अब समझना बात को जरा, कासिम का इमीडिएट लेफ्ट यहां पर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो पोजीशन खत्म, ये तो फर्स्ट पोजीशन थी हमारी, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, भाई इसके इमीडिएट लेफ्ट में होनी पाएगा, तो ये केस हमारा कट गया, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब यहां वरुण नहीं हो सकता, मतलब वरुण यहां होगा तो कासिम यहां होगा, अगर ये केस मेरा सही है, समीर सिट्स एग्जैक्टली लेफ्ट, तो ये मेरा केस पहला हो गया कि वरुण होगा, फिर 2 गैप होंगे, फिर समीर होगा, फिर कासिम होगा, फिर 2 गैप होंगे, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कौन कहां आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या ये केस हो सकता है, कासिम के लेफ्ट में समीर, राइट, और अगर ऐसा कुछ है इधर समीर कासिम के लेफ्ट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इधर समीर और इधर समीर, ऐसा कुछ मेरे पास पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है, क्लियर। यहां तक समझ में आया? नाउ मेरे पास जो कंडीशन बन गई वो ये बन गई, देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब मैं इनको अलग अलग लेता हूं, क्योंकि टोटल 6 कंडीशन बन रही है। कुछ एलिमिनेट कर सकते हो, कोई कंडीशन एलिमिनेट कर सकते हो? तो देखो भाई, पहली कंडीशन है कि वरुण यहां पर, फिर 1, 2 का गैप, फिर समीर यहां पर, फिर कासिम, और फिर ये 2 का गैप। इस कंडीशन में समीर होगा तो कासिम होगा, और इधर 1, 2, 3, और यहां पर वरुण होगा, एक ये केस हो सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर वरुण हो जाए, 1, 2, और यहां पर समीर हो जाए, फिर ओके, एक गलती हो गई यार, मैंने गलती कर दी, 4 पीपल है यार, एक मिनट, एक गलती हो गई, दोबारा करते हैं, देर आर 4 पीपल, मैंने 3 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो देखो भाई, पहली कंडीशन, आपको ना ये सारी केसेस लिखने पड़ेंगे, बड़ा इजी वे में करना है इन चीजों को। तो कासिम एंड वरुण, कासिम एंड वरुण, 1, 2, 3, 4, वरुण या कासिम, ठीक है, कासिम या वरुण, बस 2 ही केस बनेंगे इस तरह से। अच्छा, अब आगे बोल रहा है कि समीर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कासिम, तो ये केस तो कैंसिल हो गया, राइट, समीर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कासिम, तो ये केस मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर इस केस में मेरे पास, अगर मैं कासिम को यहां बिठा दूंगा तो इधर
समीर कैसे आ पाएगा, ये केस के साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अब क्या बचता है, मेरे पास तीन केस बनेंगे। अब यहां मैं लिख रहा हूं तीन केसेस को, कि यहां वरुण होगा, ये तीन स्पेस, यहां पे समीर होगा, यहां पे कासिम होगा, एक केस ये होगा। फिर यहां पर समीर होगा तो कासिम वरुण, या वरुण यहां पर समीर, यहां पे कासिम। तो ये तीन केस बन गए। क्या ये बात समझते हो आप लोग? अब मुझे ये नहीं पता कि रमन और समीर, अब बोला रमन और समीर साथ साथ बैठे हैं, रमन और समीर, तो अगर मैं रमन के साथ समीर बैठे तो रमन यहां पर होगा, है ना? क्या ये केस पॉसिबल है? इज दिस केस पॉसिबल? अब रमन के साथ समीर बैठ सकता है, तो दिस केस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, तो रमन यहां होगा। तो मेरे पास केस बन गए दो, मेजर दो ही केस आ गए, कि भाई वरुण होगा, बीच में दो गैप होंगे, रमन होगा, फिर समीर होगा, फिर कासिम होगा, ये, और फिर एक केस और बनेगा जिसमें एक पहला गैप, फिर वरुण, फिर दो गैप, फिर रमन एंड कासिम। बस हो गया क्वेश्चन मेरा, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आया? ऐसे किया था आप लोगों ने, ऐसे किया था आप लोगों ने? ये सोच डेवलप करनी होगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ये याद रखना हमारे पास क्या कंडीशन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इफ पंडित एंड तनुल आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली टू पर्सन, पंडित एंड तनुल आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली टू पर्सन, तो जरा मुझे बताओ पहले केस में क्या ऐसा हो सकता है? पंडित और तनुल को आप कहां बैठा सकते हो कि दो पर्सन का सेपरेशन हो जाए? इस केस में हम नहीं बैठा सकते ऐसे, तो हम लेंगे ये वाला केस। मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, वी दो का गैप था, आर एस क्यू, ये था मेरे पास, ठीक है? हम फर्स्ट केस नहीं लेंगे, जो मेरा पहला केस था ये वाला, वी वन टू आर एस क्यू और ये, ठीक है? अब हम बताओ, क्वेश्चन कह रहा है पंडित एंड तनुल आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली टू पर्सन, तो इस क्वेश्चन, इस वाले सेट में आप कैसे पंडित और तनुल के बीच में, अगर पंडित यहां बैठेगा तनुल को यहां होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर पंडित को मैं यहां बैठाऊंगा तो भी तनुल यहां आएगा तो पॉसिबल नहीं है, दो बंदे तो नहीं हो सकते बीच में, तो ये केस नहीं होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ अगर पंडित यहां होगा तो तनुल यहां होगा, और अगर तनुल यहां होगा तो पंडित यहां पर होगा। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से, दिस इज द पोजिशन, राइट? बोला है इफ पंडित अनुलाल सेपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव टू पर्सन, देन हु सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ वरुण, वरुण के इमीडिएट राइट में कौन है? देखो या तो पंडित है तनुल है ऑप्शन में, अच्छा राइट इधर इधर, हाँ अब बचा कौन? अब बचा कौन भाई? पी क्यू आर एस टी यू वी सब कुछ हो गए, बचा यू, तो इमीडिएट राइट में वरुण के उदय होगा, आंसर इज सी ऑप्शन। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट नहीं था, मैं आपको समझा रहा हूं आराम आराम से, इसलिए टाइम लग रहा है, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये बात समझ में आप लोगों को? चलो थम्स अप बटन हिट करो, हिट द थम्स अप बटन इफ यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके पास सेट, अच्छा ये ना दो केस लिख लो आप लोग, राइट दीज टू केस, वी दो गैप आर एस क्यू, फिर एक गैप, फिर वन गैप वी आर दो गैप आर एस क्यू, ये दो केस आप लिख लो। अब मैं आ रहा हूं उसके सेकंड क्वेश्चन पे, हाँ हाँ वो भी कराऊंगा, मधुर मधुर वो भी कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी तो बहुत, अभी मैं एक क्वेश्चन अगला बहुत अच्छा कराऊंगा, धीरे धीरे आएंगे उस पॉइंट पर, धीरे धीरे आएंगे। और जो आपने क्वेश्चन पूछा पूरा एक पेज डाल दिया, जो क्वेश्चन हो पर्टिकुलर वही क्वेश्चन भेजा करो, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन थ्रू माई टेलीग्राम, टेलीग्राम कराऊ थ्रू माई कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा करो, वहां से आसान रहता है, वो सब कराऊंगा। ये पहली क्लास है, अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी कैसे एक साथ सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पहले एडवांस करना है तो बताओ, एडवांस तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, मेरे पास एडवांस तो बहुत क्वेश्चन है। यस ट्राई दिस क्वेश्चन, मुझे टेलीग्राम पे अनअकैडमी के कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लो, जहां से कि आप मुझसे क्वेश्चन इजिली पूछ सकते हो, ठीक है मधुर? मैं कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा।
ओके सान्या, अच्छा नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो होगी फ्राइडे को, मैं उसका लिंक पिन कर दे रहा हूँ, ज्वाइन दैट सेशन एज वेल। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उस फ्राइडे को होगी, मैंने नेक्स्ट क्लास का लिंक पिन कर दिया, ज्वाइन दैट सेशन। ओके सानिया, बाकी तीन बच्चों गलत हो गया, जबकि मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं, इस सेट को मैंने कराया आप लोगों को, मैं चलो वैल्यू लिख देता हूं आप लोगों के लिए जिससे आपको इजी हो जाए। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन है वो देख लो जरा। मेरे पास जो मेन डेटा है जो मैंने अभी आपको बनाई थी कंडीशंस, वो देख लेते हैं क्या क्या। मेरे पास कंडीशन है, यहां पर वी है और फिर आर एस क्यू था, और एक कंडीशन था वी आर एस क्यू, तो मेरे पास ये दो कंडीशन बचती है फाइनली। ओके बहुत गलत हो गया तुम लोगों का आंसर। नाउ इन दिस केस इफ कासिम इज नॉट सिटिंग एट ईदर ऑफ द एंड, अगर कासिम एंड पे नहीं है तो ये चलो केस कैंसिल हो गया मेरा, देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज मेनी पर्सन ऑन द लेफ्ट एज ऑन द राइट, मतलब मिडिल का पूछा है तो दिस इज ओनली आर। अरे भाई अगर कासिम मिड एंड में नहीं तो ये केस कैंसिल हो गया, बचा क्या। इस केस में मुझे पूछा है ऐसे कौन सा बंदा जिसके जितने बंदे इधर हैं उतने इधर हैं, मतलब वो मिडिल में पूछा है, ये जो लाइन बोल रहा है ना, देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज मेनी पर्सन ऑन द लेफ्ट एज ऑन द राइट, मतलब वो मिडिल बात वो पूछा है मिडिल में कौन बैठा है, आप इस लाइन को मिस कर गए। हु इज सिटिंग एट मिडिल, तो आंसर इज रमन। क्या ये बात आप एग्री करते हो। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने। ओके ट्राई दिस क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम कम दूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगभग करा दिया आप लोगों। अलग क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज 7 पीपल सिट इन अ रो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दीज 7 पीपल सिट इन अ रो, तो कंसेंट्रेट करके इसका आंसर देना, बड़ा मजेदार सा लॉजिक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज दिस 7 पीपल, दीज होना चाहिए दिस नहीं, दीज 7 पीपल सिट इन अ रो, 3 2 10 12। मैंने आपको केस बना दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वरुण था और आर एस क्यू था, वरुण था आर एस क्यू था, ये है मेरे पास कंडीशन। अब बताओ कितने वे में हम बैठा सकते हैं। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटी 1 ये है, पॉसिबिलिटी 2 ये है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है विद द गिवन कंडीशन, जो ये हमें कंडीशन दे रखी है इसके हिसाब से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, क्वेश्चन के हिसाब से हम कंडीशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो वी हैव पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2, क्लियर। आउट ऑफ दिस मेरे पास बचते 3 प्लेस, इन दीज प्लेस 3 प्लेसेस में मुझे बैठाना है अभी पंडित को, रमन हो गया, समीर हो गया, तनुल एंड उदय, मुझे इन 3 लोगों को बैठाना है, तो दीज 3 पर्सन कैन बी सीटेड इन 3 प्लेसेस इन द वे फैक्टोरियल 3 विच इज 6 वेज, तो 2 पॉसिबिलिटी ये और 6 पॉसिबिलिटी ये, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज आपको MN रूल पता है, इफ वन वर्क कैन बी डन इन 2 वेज, मतलब इस वे में भी 6 वे, इसमें भी 6, तो दूसरा 6 वेज, ये जो PTU को आप बिठाओगे वो 6 वे में, मतलब यहां पर PTU हो सकता है, PUT हो सकता है, मतलब ऐसे करके 6 वे हो सकते हैं, तो उन 6 वे का और 6 इसके, तो टोटल आंसर हो गया 12 वेज। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। अभी तक मैंने आपको जो कराया, अभी तक मैंने आपको सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन कराया जिसमें कि उनका डायरेक्शन और उनके डायरेक्शन एक ही तरफ था और उनका
लेफ्ट और राइट के बारे में बात हो रही थी, मिडिल में या एग्जैक्टली इस तरह की बात हो रही थी। अब मैं आपको एक और लेवल बढ़ाता हूं, अब मैं लेफ्ट राइट के साथ साथ उनके वेट को भी काउंट करना है। अब हम दो दो डायमेंशन क्वेश्चन लेंगे, ये भी तो सिंगल डायमेंशन क्वेश्चन थे कि हमें केवल उनके राइट लेफ्ट को देखना है, एक ही डायमेंशन, अब वेट भी देखना है। एक क्वेश्चन मेरे सामने है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब बिगिनर से थोड़ा ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है, सेवन फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी सिट ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन सबका एक ही तरफ है सब। अच्छा, जब डायरेक्शन देख रहे हो फिर थ्री डायमेंशन एलआर हो जाती है, वही कैट में आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो सेवन फ्रेंड्स हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इन लोगों ने कंफ्यूज नहीं किया कि नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिए। सेवन पीपल सिट इन अ रो इन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, एक ही तरफ देख रहे हैं, ईच ऑफ देम इज ऑफ अ डिफरेंट वेट। नाउ अब एक वेट आ गया, लेफ्ट राइट है, वेट भी आ गया। Their random bodily weight are 79, 83, 85, 87, 89, 92, 96. The following information is known about them. P sits third to the right of the heaviest person. The heaviest person sits exactly between R and the lightest person who sits at an end. The third lightest person sits adjacent to R and that person is neither P nor adjacent to P. Q sits third to the left of the person whose weight is next higher to R. R's weight is neither 83 nor 87 kg, P's weight is neither 92 nor 79 kg, T's weight is 83 kg, S is heavier than V, but it not the heaviest. ये है question, ठीक है? ये तो है condition. अब इस पर बेस पहला question, ठीक है? आप लोग को उसको try करना है, I'll give you some time, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा time दूंगा। ओके अगर आप सारा सेट सही से करोगे तो आप इसका आंसर सही दे पाओगे, मतलब आप आपको पूरा अल्टीमेट पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, कौन किस पोजीशन पर है, किसका वेट क्या है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ऊपर लिख लो उनकी पोजिशन और उसी के नीचे लिख लो उनका वेट। अब आपको वेट से पोजिशन मैच करानी होगी, इस पर बेस पांच क्वेश्चंस होंगे, पहले आप एक सेट सॉल्व कर लो, क्योंकि एक बार आपने ये सेट बना लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यस ट्राई दिस। Yes. पहले तो इसको क्रैक करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पूरा एक एक वर्ड एक एक लाइन समझाऊंगा इस क्वेश्चन की कैसे करते हैं। ओके चलो, मुझे लगता है कोई कर रहा है, आप लोग ट्राई कर रहे हो या मैं स्टार्ट करूं सॉल्व करना? मधुर तुम जो बोल रहे हो ना वो भी डिफिकल्ट है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा ट्राइंग, सोनिया ट्राई कर रही हो, 10 सेकंड बचे, डू यू नीड मोर टाइम, डू यू नीड मोर टाइम, 5 सेकंड।
मैंने 15-10 सेकंड बढ़ा दिया है। ओके, किसी का आंसर सही नहीं हुआ। देखो यार, अगर आपने सेट से सही सॉल्व किया तभी तो क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो आप आंसर कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका सेट सही से सॉल्व नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और याद रखना इन क्वेश्चन में 10 से 12 मिनट अभी आपको इनिशियल लेवल पे देना चाहिए, बाद में आप टाइम कम कर सकते हो। मेरे पास वेट लिख लो जरा, 79, 83, 85, 87, 89, 92 एंड 96, ठीक है। ये कुछ है फ्रेंड्स है, PQRST, PQRSTUV, ये 7 लोग हैं, ठीक है। हाँ 7 लोग हैं, ठीक है। वेट कुछ भी किसी का हो सकता है। अब हम ऑर्डर करते हैं, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द हैवीएस्ट पर्सन। तो अब यहां पर क्या केस बन सकता है, एक तो केस ये बन सकता है कि यार हैवीएस्ट पर्सन 96 वाला इधर बैठेगा तो पी थर्ड पे बैठ रहा है, तो पी कैन बी एट दिस पोजिशन। क्या ये बात समझते हो तुम लोग, पी कैन बी एट दिस पोजिशन अगर वो यहां पर बैठता है, ठीक है। पी उस हाईएस्ट हैवीएस्ट वाले से थर्ड पोजिशन पर है। अच्छा एक केस ये भी तो हो सकता है, 1, 2, हम हर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे और उससे उसी से क्वेश्चन, और आपको दिख रहा है कि पी 3 पोजिशन आगे बढ़ता है, मुझे 4 केस बनाने पड़ेंगे। मुझे मैं पी को आगे भी तो कर सकता हूँ, मुझे देख थोड़ी कि एंड ही हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी हो गई। आई कैन पुट पी एट दिस पॉइंट, तो पी मैं हाईएस्ट पर्सन को यहां रखूंगा तो पी कहां हो जाएगा, पी यहां हो जाएगा। आई कैन पुट हाईएस्ट पर्सन एट दिस पॉइंट, पी कैन बी दिस पॉइंट, 96 एंड पी। क्या ये बात समझे आप लोग, इनमें से कोई कोई पॉसिबिलिटी आगे हट जाएगी, लेकिन आपको सबको लिखना है, बहुत आराम से करना है शुरुआत में, बहुत जल्दीबाजी नहीं, आराम से पहले देखो कि क्या क्या कंडीशन दे रहा है। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द हैवीएस्ट पर्सन, 96 हैवीएस्ट है, उसके राइट में 3 पोजिशन पे बैठा है। द हैवीएस्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड द लाइटेस्ट पर्सन, और दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हैवीएस्ट पर्सन, अच्छा देखो ध्यान समझो इस बात को, ये जो वर्ड बोल रहा ना, ये जो वर्ड बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैवीएस्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, मान लो ए और बी, मान ले 2 बंदों की बोल रहा, तो क्या होगा, हैवीएस्ट पर्सन के बीच में इधर उधर 2 बंदे हो सकते हैं, ये हैवीएस्ट पर्सन हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने ये बताया था यही बात आपको याद रखनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए एच बी, ये भी तो हो सकता है भाई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या ये बात समझते हो, अगर एग्जैक्टली बिटवीन बोल रहा है तो उसमें आपको आगे पीछे 3 लोग या 2 लोग या 1 लोग कुछ भी हो सकता है, मतलब इधर ये एक एक का गैप हो सकता है या 0-0 गैप हो, ये बात समझ लो, थम्स अप दो। इसका मतलब ये केस मेरा कैंसिल हो गया, मतलब हैवीएस्ट पर्सन यहां नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसके बाद इधर कौन आएगा फिर। द हैवीएस्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड द लाइटेस्ट पर्सन हु सिट्स एट द एंड, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो ही बोल रहा है कि जो लाइटेस्ट पर्सन वो एंड पे बैठा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 79 तो यहां पर होगा, और अगर 79 यहां पर होगा इसके हिसाब से एग्जैक्टली मिडिल में 96 करना, तो आर यहां पर होगा। क्या ये बात क्लियर हुई भाई, ये स्टेटमेंट मुझे क्या बोला, द हैवीएस्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड द लाइटेस्ट पर्सन हु सिट्स एट एन एंड, इसका मतलब 79 तो यहां बैठेगा, अगर 79 यहां है इसके जस्ट बगल में 96 तो इसका मतलब जस्ट बगल में आर होगा। इधर 79 अगर यहां पर होगा तो 2 का गैप है, 1, 2, तो इधर 1, 2 आर यहां पर होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो भाई। अब अगर 79 यहां बैठता है इस वाले स्टेटमेंट में, तो 1, 2, 3 इधर से 1, 2, 3, तो ये तो आर होना चाहिए लेकिन ये पी है, इसका मतलब विद दिस स्टेटमेंट सेकेंड केस इज ऑल्सो, थर्ड केस, फोर्थ केस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो मेरे पास 2 केस कट गए बाई गोइंग थ्रू दिस लास्ट स्टेटमेंट, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, राइट, मेरे 2 केस एलिमिनेट हो गए। क्या ये बात समझ में आप लोगों को, बोलो भाई। यहां तक सारी बात जो मैंने बताई है सब कुछ, सबके सब कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। देखो मैंने आपको शुरुआत में, अगर आप क्लास में रहे होगे तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने बात बताई थी एग्जैक्टली मिडिल वाली बात, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूं आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी, तो इसका मतलब हुआ क्यू आर टी हो सकता है, या क्यू एक गैप आर एक गैप टी, ये सब सही है, और ऐसे भी हो सकता है क्यू 2 गैप, ये सब पॉसिबिलिटी। हम देखें कौन सी पॉसिबल कंडीशन वहां पर हो सकती है,
बिकॉज इट इज सेइंग द हैवीएस्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड लाइटेस्ट पर्सन, तो हैवीएस्ट मुझे मालूम है 96 है. अब 96 आर और 79 के एग्जैक्टली मिडिल में बैठ रहा है, आर और 79 के एग्जैक्टली मिडिल में बैठ रहा है. तो अब और एक बात वो बोल रहा है कि लाइटेस्ट पर्सन एक एंड पर बैठता है, तो अगर लाइटेस्ट पर्सन यहां बैठेगा मिडिल में करने के लिए 96 को आर को एग्जैक्टली बगल में करना पड़ेगा इसके, और अगर 79 यहां पर तो एक बीच में गैप है, तो इधर 96 फिर एक गैप पर आर ही आ गया. तो मेरे पास दो कंडीशन बचती है. देखो जब मैंने पहली लाइन पढ़ी तो मेरे पास चार केस बन गए, जब मैंने दूसरी और तीसरी लाइन पढ़ी तो मेरे पास दो केस एलिमिनेट हो गए, और हो सकता है आगे और भी कुछ केस एलिमिनेट हो जाए. ठीक है भाई, यहां तक हमने तीन केस पढ़ लिए. बहुत आराम से चीजों को सीखा करो, स्मूथनेस आएगी आपको सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं. हाँ चलो, अरे यार ये क्या हो गया, चलो ऊपर करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया चीजें. हाँ यहां तक मेरा काम हो गया, ये सब हो गया मेरा. ठीक है, ये सब हो गया, अब हम इनको बार बार नहीं पढ़ेंगे. मेरा काम हो गया, दो लाइन से मैंने बहुत से स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिए. नाउ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, अब इसमें थर्ड लाइटेस्ट है 85, सिट्स एडजेसेंट टू आर एंड दैट पर्सन इज नीदर पी नॉर एडजेसेंट टू पी. नॉट दिस स्टेटमेंट मुझे बोला है 85 बंदा है जो 85 वाला जो वेट है वो आर के बगल में बैठ रहा है, एंड दैट पर्सन इज नीदर पी नॉर एडजेसेंट टू पी. तो अगर आर के बगल में बैठ रहा है ना, अगर वो आर के बगल में बैठ रहा है, द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू आर एंड दैट पर्सन इज नीदर पी और नॉर एडजेसेंट टू पी. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आर के बगल में थर्ड लाइटेस्ट 85 बिठाऊंगा तो वो बंदा अब पी के क्लोज हो गया जो कि मना किया हुआ है. दैट पर्सन इज नीदर पी नॉर एडजेसेंट टू पी, तो ये केस भी मेरा कैंसिल हो गया. इसका मतलब ये केस 85 होगा, आर के बगल में 85 है लेकिन वो पी के पास नहीं, तो इसलिए उसने वो स्टेटमेंट दिया कि आपको ये वाला एलिमिनेट कर सको. तो आपको समझ में आया कैसे एलिमिनेट हुआ, अब मेरा ये केस भी एलिमिनेट हो गया. बोलो चलो बच्चा मेरे पास खाली है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ साफ साफ बना के. अभी समझे आप लोग, यहां तक समझ में आ रहा है क्या हुआ, कैसे मैंने वो केस एलिमिनेट किया. बोलो बच्चा 79 96 85 और यहां पर हो गया आर एंड पी. यहां तक हो गया ना, हमारे पास ये स्टेटमेंट द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू आर एंड दैट पर्सन नीदर पी नॉर एडजेसेंट टू पी. देखो बच्चा एक सेट सॉल्व हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इन सेट को कंप्लीट करने में दम है. क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज वेट इज द नेक्स्ट हाइएस्ट टू आर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन whose weight is the next higher to R. अच्छा, इसका मतलब Q उस बंदे से थर्ड पोजीशन, तो अब या तो Q यहां पर हो सकता है. देखो एक तो Q यहां, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 करता हूं, 1 2 3 तो Q यहां हो सकता है या Q यहां हो सकता है, दो ही पोजीशन है Q की. क्यों? क्योंकि बोल रहा है Q sits third to the left of the person whose weight is the next higher to R. R's weight is neither 83 nor, ध्यान देना R की वेट के बारे में कुछ बोल रहा है. R का वेट 83 नहीं हो सकता, R का वेट 87 नहीं हो सकता, R का वेट 79 नहीं हो सकता, क्योंकि 79 ऑलरेडी फिक्स्ड है. 96 और 85, R के लिए ये पांच वेट पॉसिबल नहीं है. तो R के लिए पॉसिबिलिटी बची क्या, एक तो 92 बचते और क्या बचते है? देखो 83 नहीं हो सकता, 79 85 नहीं हो सकता, 96 92 एंड 89. तो R के लिए दो पॉसिबिलिटी बचती है, या तो 92 होगा या 89 होगा. अब ध्यान रखना, Q sits third to the left of the person whose weight is the next higher to R. अगर R का वेट, ध्यान दो स्टेटमेंट को, अगर R का वेट 92 होता तो 92 से नेक्स्ट हायर क्या है, नेक्स्ट हायर क्या है 96. इसका मतलब वही कहना चाह रहा है कि अगर R का वेट 92 होता तो जो Q है ना वो 96 से थर्ड स्टेप, थर्ड पोजिशन राइट बैठा 1 2 3, जबकि वहां पे P बैठा है. इसका मतलब R का वेट 92 नहीं हो सकता, तो मेरा R का वेट क्या हुआ 89. R का वेट 89 हुआ, 89 से नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है 92. R कहां बैठा है, Q sits third to the left of the person. अच्छा लेफ्ट बोला है, सॉरी 96 लोगे तो उसका लेफ्ट इधर जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है. अच्छा अब मुझे बताओ R का वेट 89 कंफर्म हो गया तुम लोगों को, 89 कैसे आया, दोबारा समझो इस बात को.
मैंने क्या बोला कि देर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर वेट ऑफ आर एज 92 एंड 89. अगर मैं मानता हूं आर का वेट 92 होता, इससे नेक्स्ट हायर होता 96, तो क्यू जो बैठा है 96 के लेफ्ट में तीन पोजिशन, तो तीन पोजिशन में तो जगह ही नहीं मेरे पास. इसका मतलब आर का वेट 92 नहीं हो सकता, तो आर का वेट कंफर्म 89 होगा. अब आर का वेट अगर 89 है, उससे नेक्स्ट हायर क्या है 92, तो क्यू जो है 92 वाले से तीन स्टेप लेफ्ट बैठा, तो बताओ इसमें कौन सी वैल्यू क्यू हो सकती है. अच्छा अब मुझे बताओ क्यू हो कहां सकता है, क्यू केवल और केवल यहां पर हो सकता है, क्योंकि अगर क्यू यहां पर होगा तो 92 वाला यहां होगा, तभी तो तीन स्टेप पहुंचेंगे. और कैसे, देखो अगर 92 में ये लूंगा, गुड इवनिंग, अगर मैं 92 ये लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और 92 ये लूंगा तो क्यू फिर हाईएस्ट हो जाएगा, है ना. क्यों, क्योंकि पी का उसने मना किया, पी 92 मना किया है. अगर मैं क्यू को यहां भी लेता हूं तो मुझे पी को 92 करना पड़ेगा, लेकिन पी को आगे 92 मना किया हुआ है, तो मेरे पास क्यू का पोजीशन कंफर्म हो गई और क्यू का वेट भी कंफर्म हो गया 85. अभी मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, यहां तक समझे आप लोग मैंने क्या समझाया आप लोगों को. किसी को इस स्टेटमेंट को लास्ट लाइन में दोबारा समझना है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज वेट इज द नेक्स्ट हायर टू आर. आर वेट इज नीदर 83 नॉर 87, पी इज वेट इज नीदर 92 नॉर 79. क्या क्लियर हो गई बात. अच्छा पी का वेट 92 नहीं है, 79 नहीं है, तो देखो 79 हो चुका है, 85 भी लिखा जा चुका है, 92 भी लिखा जा चुका है, 96 भी लिखा जा चुका है. अब बचा क्या मेरे पास, 89 भी लिख दिया है मैंने, बचा मेरे पास 83 और 87. क्यू का वेट बोल रहा है 92 और 79 नहीं है, टीज वेट, अच्छा टी का वेट कंफर्म कर दे 83, तो टी तो यहां पर हो जाएगा, टी का वेट कंफर्म कर दिया, तो क्यू का बचा कितना, पी का कितना बचा 87, तो ये P का वेट भी कंफर्म हो गया. S is heavier than V, but it not the heaviest. S is heavier than V, but वो heaviest नहीं है. इसका मतलब S हमारा हो जाएगा this, नहीं, S हो जाएगा ये. S is heavier than V, तो V हो जाएगा ये, but not the heaviest. तो बचा कौन, P, Q, R, S, T, U, ये U हो गया. तो हमारा सेट कंप्लीट हो गया. अब आप इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. मजा आया, हिट द थम्स अप बटन इफ यू गॉट दिस पॉइंट. आप थम्स अप बटन हिट करो, आपको बात समझ में आ गई तो हिट द थम्स अप बटन. ये मेरा पूरा सेट हो गया, वी 79, टी 83, यू 96, देन क्यू, देन आर, देन पी, देन एस. ये मेरा सेट हो गया. अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे. आप लोग काम करो, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, जिससे मैं जब क्वेश्चन रहा हूं तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सको. देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 मिनट लगा, जबकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था. आप लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ना आपको इस लेवल तक आना, इसको इस सेट को दोबारा सॉल्व करना, इसको दोबारा देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया. राइट, आ जाओ उस क्वेश्चन के क्वेश्चन पे आ जाओ. अगर आप लोग रेडी हो तो जरा थम्स अप बटन हिट करो, तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं. बोलो बच्चा, रेडी हो. चलो पहला क्वेश्चन, हु इज द थर्ड लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट कौन है भाई. 79, 85 किसका वेट है. अब मैं ऑप्शन ही दे रहा हूं, सीधे आंसर मार्क करो. ऑप्शन नहीं हो तो क्या, तो क्वेश्चन हो ही गया. 85 वेट किसका है, थर्ड लाइटेस्ट, 85 किसका वेट है. अरे चार्ट बनाया होगा, देखो उस चार्ट में क्यू का है, चार्ट है ना तुम्हारे पास, 85 कौन है, क्यू है. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड यू, बताओ भाई. ओके, आर एंड यू एक बंदा, वन, ए ऑप्शन. बस एक बार सेट, ये बहुत मजा आता है जब आपका सेट क्रैक हो जाता है. हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन एस, एस से छोटे कितने लोग हैं. हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन एस, एस से लाइटर, एस का वेट कितना है 92, तो 1, 2, 3, 4, 5 लोग, 5, डी ऑप्शन. अच्छा हाउ मेनी पर्सन, ओके ये हो गया. बस ये हो गया हमारा आज का सेट, सारे बहुत अच्छे सेट मैंने आपको कराए आज.
रिमेंबर हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 13 से। अच्छा दूसरी बात, यू कैन चेक माय बुक, जो क्वांट की मैथमेटिक्स का बुक है, इसको आप चेक कर सकते हो। यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री, इसका जो अमेजन किंडल एडिशन है, यू कैन रीड दिस फॉर फ्री, राइट। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, तो इसको आप फ्री पढ़ सकते हो। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना इस सेशन की, फ्राइडे को है, मैंने लिंक ऊपर पिन किया था, आप जाके बैक जाके देख सकते हो। दीज आर अवर सेलेक्टेड कैंडिडेट, 85 प्लस लर्नर गॉट 99 प्लस परसेंटाइल, 98 प्लस के 85। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।